कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में क्या क्या बोला था अपन ने? एक चीज एडिशन एडिशन, एडिशन अपन ने बोला कि भाई एक क्वांटिटी है जो बहुत सारी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, एक क्वांटिटी है जो बहुत सारी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। सो अगर उन बहुत सारी क्वांटिटीज का मेरे को एरर पता है तो हाउ कैन आई फाइंड द एरर ऑन द अननोन क्वांटिटी, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशन। अपन ने बोला था इट डिपेंड्स ऑन रिलेशन किस तरह का है। पहले अपने एडिशन देखा था, जेड इक्वल्स ए प्लस बी। इफ जेड इक्वल्स ए प्लस बी, ए में अगर एरर है, बी में अगर एरर है, तो जेड में भी एरर आएगा। और मैं ये बोल, यस सर, का एरर मेरे को पता है, बी का एरर मेरे को पता है, और जेड का एरर मेरे को निकालना है। तो जेड इक्वल्स ए प्लस बी मैं बनने निकाला था, दोनों चीजें मीन वैल्यू भी और एरर भी, ठीक है? तो जेड इक्वल्स ए प्लस बी, ए है अपने को पता है, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए पता है, बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों का एरर पता है, दोनों का मीन वैल्यू पता है। इसको जेड का मीन वैल्यू पता करना है और जेड का एरर पता करना है। तो सानिका मैडम कितना आया था? व्हाट विल बी द मीन वैल्यू? मीन वैल्यू जेड क्या होगा? तो एक बार क्या होगा सानिका, बोल। नॉट क्लियरली ऑडिबल, हम जस्ट कौन स्पीकिंग। हल्ला कर रहा है भाई? हाँ सानिका, तो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी इफ जेड इक्वल्स ए प्लस बी, तो व्हाट विल बी जेड बार? जेड बार क्या होगा? मीन वैल्यू ऑफ जेड कैसे निकाला था बनने? जल्दी बोल, जल्दी बोल, व्हाट वाज जेड बार? इतना टाइम नहीं लेना है। निशित, निशित बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। निशित, इफ जेड इक्वल्स ए प्लस बी, जेड बार क्या था अपना? रिवाइज करके नहीं आया क्या? बहुत मारूंगा। आगे वही है, वैसा ही सिमिलर चीज पढ़नी आगे। बोल निशित, निश्चित जवाब नहीं। अच्छा चैट में जवाब दे रहा है निश्चित। ए बार प्लस बी बार, यस राइट। सो जेड बार विल बी ए बार प्लस बी बार, जैसा जो रिलेशन है मीन वैल्यू का रिलेशन वैसा ही होगा। इफ जेड इक्वल्स ए प्लस बी, मतलब ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो मीन वैल्यू भी ऐड ही होगा, ठीक है? इफ द क्वांटिटीज आर गेटिंग एडेड, द मीन वैल्यू इज ऑल्सो गेटिंग एडेड। जेड इक्वल्स ए प्लस बी, जेड बार इक्वल्स ए बार प्लस बी बार। और एरर, एरर इन जेड, एरर इन जेड, हमें हमें बोल, एरर इन जेड क्या था? बोलो, मैं बोल, बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, समझ नहीं है, जल्दी बोल। हमें एरर डेल्टा जेड क्या होगा? रिवाइज नहीं करके आया क्या मैं? अब तो बहुत मार पड़ेगी तेरे को। आयुष बोल, आयुष, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो एब्सोल्यूट एरर गेट्स एडेड अप, राइट? जेड इक्वल ए प्लस बी, अगर क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, अगर क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, जेड इक्वल ए प्लस बी, तो मीन वैल्यू भी ऐड हो जाएगा और एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाएगा। जेड बार इक्वल ए बार प्लस बी बार एंड डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो बोथ ऑफ थिंग्स विल गेट एडेड अप, द अपना एब्सोल्यूट एरर गेट्स एडेड अप एंड द मीन वैल्यू। ओके, अभी आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, पत्नी की खराबी। एनीवे, ऑलराइट। सो यस,
तो एडिशन का बनने देख लिया है, जेड इक्वल टू ए प्लस बी, अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है तो उनका मीन वैल्यू भी ऐड होता है और एब्सोल्यूट एरर भी ऐड होता है। जेड इक्वल टू ए प्लस बी तो मीन वैल्यू के साथ जब जेड का मीन वैल्यू जेड बार विल बी ए का मीन वैल्यू प्लस बी का मीन वैल्यू ए बार प्लस बी बार एंड एब्सोल्यूट एरर इन जेड विल आल्सो बी द सम एब्सोल्यूट एरर ने प्लस एब्सोल्यूट एरर का जेड विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। राइट, ओके, ये अपन ने देखा था। राइट, बहुत ही बढ़िया। तो आगे होते हैं, टुडे विल फिनिश द एरर्स पार्ट, सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले में करेंगे, फिर जनरल प्रोडक्ट रूल, जनरल एक्सपोनेंट रूल देखेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद सब्ट्रैक्शन, उसी का जो सेकंड पार्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो इसको धो देते हैं, धूल चढ़ा देते हैं भाई। तैयार हो गए नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो भाई, बोल दिया सब लोगों ने, तो आज तो इसकी खैर नहीं। सो सब्ट्रैक्शन, सो नाउ वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर अंडर सब्ट्रैक्शन, दैट इज समथिंग लाइक दिस, जेड इक्वल्स ए माइनस बी, और करना वही है, अभी है वही चीज। राइट, टू क्वांटिटीज आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड। राइट, ये हल्ला कौन कर रहा है, म्यूट कर अपना। जेड इक्वल्स ए माइनस बी, तो जेड इक्वल्स ए माइनस बी, एंड अभी मेरे को अगेन वही सेम चीज है, ए का मीन वैल्यू पता है, बी का मीन वैल्यू पता है ना, ए का मीन वैल्यू पता है, बी का मीन वैल्यू पता है, और जेड का मीन वैल्यू निकालना है। सिमिलरली ए का एरर पता है, बी का एरर पता है, और जेड का एरर निकालना है। सो वी नो दिस, ए क्या होगा, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसा ही लिखते हैं। बी क्या होगा, बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी, और जेड क्या होगा भाई, बहुत ही आसान, जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो ये दोनों चीजें मेरे को पता है, I know this and I know this. A बार पता है, ये डेल्टा A पता है, B बार पता है, डेल्टा A B पता है, ये नहीं पता और ये नहीं पता, ये निकालना है। Right? This is what we have to find. तो भाई बहुत ही सिंपल है, जैसा एडिशन में था वैसे ही हो जाना चाहिए, है कि नहीं? एडिशन में जेड इक्वल्स ए प्लस बी, तो जेड बार क्या आ गया था, मीन वैल्यू भी एड हो जाता था और एरर भी एड हो जाता था, जेड बार इज ए बार प्लस बी बार, और डेल्टा जेड इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। राइट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जेड बार, अब जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, इफ जेड इक्वल्स ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन में, तो डेल्टा, तो जेड बार क्या आना चाहिए, ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, है कि नहीं? और एरर क्या आना चाहिए, डेल्टा जेड प्लस रहेगा, प्लस डेल्टा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस और माइनस में आएगा सर, यहाँ पे तो माइनस है ना फॉर्मूले में, वो एरर फिर जीरो होगा ना सर, फिर माइनस प्लस होके, दो का नहीं खाना है, दो का नहीं खाना है। तो देखते हैं अभी, विल सी, जिसको नहीं चमका अभी देखो चमकेगा। राइट, दो का नहीं खाना, अरे जब एडिशन था तो दोनों चीजें एड अप हो गई थी, मीन वैल्यू भी और अपना एरर भी, अभी सब्ट्रैक्शन है बीच में, तो भैया मीन वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए बार माइनस बी बार, और एरर भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, वो सब नहीं करना। देखो ध्यान से, जेड इक्वल्स ए माइनस बी, जेड को मैं क्या लिखूंगा, डिराइव करो जैसे मैंने पिछले में किया था, जेड को मैं क्या लिखूंगा, जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बच्चों वाला। ए को क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से देखो, ए को क्या लिखेंगे, ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए, प्लस और माइनस डेल्टा ए, गजब बच्चों वाला खेल। फिर माइनस बी को यहाँ से देखो भाई, बी को क्या लिखेंगे, बी बार प्लस और माइनस डेल्टा, राइट, सो ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस बी बार प्लस और माइनस डेल्टा बी। राइट, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसा ही अपना घिसा पिटा, जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड, बहुत ही बच्चों वाला। आरएचएस में देखो ये क्या बन गया, इधर है ए बार एंड यहाँ पे आ रहा है माइनस बी बार। राइट, तो मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ, ए बार माइनस बी बार, ऐसा आ रहा है, गजब, ए बार माइनस बी बार, ठीक है, बढ़िया। एंड देखो फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस माइनस डेल्टा ए, this is what plus minus delta a and this is what plus minus delta b with a negative sign, hai na, plus minus delta b with a negative sign, right? to abhi kya hoga, agar main plus minus delta b hai usko minus sign se multiply karunga to kuch fark padega kya usko, yahan pe there is plus minus delta b, usko maine minus sign se multiply kiya to kuch fark padega kya, no sir, no sir, because it is, for example, plus minus 2, plus minus 2 ko main minus se multiply karunga तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस टू का मतलब प्लस टू हो सकता है या प्लस टू हो सकता है या माइनस टू हो सकता है, तो अगर मैं उसको माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस प्लस टू, बात तो एक ही है। राइट, तो पहले अगर प्लस टू हो सकता था तो यहाँ पे माइनस टू बन जाएगा, और माइनस टू हो सकता था तो यहाँ पे प्लस टू बन जाएगा,
तो वैल्यू में इज देर एनी चेंज इन द वैल्यू, इज देर एनी चेंज इन द वैल्यू, पहले भी प्लस या माइनस टू था, उससे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस या माइनस टू है, सो देर इज नो चेंज इन द वैल्यू। जोश जोश में मैंने अपना पेन ही फेंक दिया, अब मुझे उठा के लाना पड़ेगा और मुझे आलस आ रहा है। ठीक है, ज्यादा जोश में आ गया मैंने और पेन ही फेंक दिया, बहुत ही शर्मनाक। ओके, तो प्लस और माइनस टू एंड माइनस और प्लस टू देर इज नो डिफरेंस। तो अगर यहां मैंने डेल्टा बी को प्लस और माइनस डेल्टा बी को माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई कैन राइट दिस एज सेम ही चीज ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, सेम ही चीज है, उसको माइनस मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, है तो वैसा वैसा, जैसे मीन प्लस माइनस डेल्टा ए, जैसे मीन प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, चमक रहा है यहां तक सबको? बहुत ही बढ़िया। अभी देखो वही घिसा पिटा खेल, ए बार माइनस बी बार, अभी प्लस माइनस कॉमन लो, प्लस माइनस कॉमन लो, तो प्लस माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट, ए प्लस माइनस कॉमन, तो ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, कि जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स ए बार माइनस बी बार प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। Alright. अभी let's compare the mean value of LHS and RHS and let's compare the error in LHS and RHS. देखो भाई, LHS में mean value क्या है? Z bar है ना, ये तो error है। Z bar is the mean value, right? जैसे पहले लिखा होता है plus minus से पहले, that is the mean value. जो plus minus के बाद है, that is the error. Right? यहाँ पे mean value क्या है? A bar minus B bar. तो mean value equate करो, mean value equate करोगे तो क्या आएगा? Z bar equals A bar minus B bar. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये मेरी पहली चीज आ गई। दूसरी चीज, अभी मैं एरर को इक्वेट करूंगा। LHS में एरर क्या है? डेल्टा Z, जो प्लस माइनस के बाद है। RHS में एरर क्या है भाई? डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो डेल्टा Z इज डेल्टा A प्लस डेल्टा B, इट इज नॉट माइनस। So we have found both the things. We have found the mean value of Z and we have found the error in Z. Mean value of Z आ गया A bar minus B bar, right? And error in Z आ गया delta Z is delta A plus delta B. ठीक है। तो भाई बहुत ही मजेदार चीज कि जब अपन add कर रहे थे, Z equals A plus B था, तब तो एकदम logically था कि mean value भी add हो रहा था और error भी add हो रहा था। Z bar equals A bar plus B bar, delta Z equals डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों चीजें ऐड हो रही थी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त था, राइट। पर यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन है जेड इक्वल्स ए माइनस बी, तो तुम्हें लग सकता है कि अरे जेड इक्वल्स ए माइनस बी है तो जेड बार भी ए बार माइनस बी बार होना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और एरर को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जेड बार इक्वल्स ए बार माइनस बी बार होना चाहिए, डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होना चाहिए। तो यस, मीन वैल्यू तो आ रहा है जेड बार इक्वल्स ए बार माइनस बी बार, बट एरर जो है उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, एरर को अभी भी क्या कर रहे हैं, एड ही कर रहे हैं। डेल्टा जेड जो है वो अभी भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही है, इट इज नॉट डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो क्या तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा है कि व्हाई इज इट नॉट डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये तो डेल्टा ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्वांटिटीज को, क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर भी सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, डेल्टा जेड इज डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होना चाहिए, ये दिमाग में सवाल उठ रहा है कि नहीं भाई? उठ रहा है दिमाग में सवाल? बाकी लोग सर, एरर को माइनस करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। यस, तो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एरर, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, राइट। टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, तुम्हारे दिमाग में सवाल उठना जो है वो एकदम सही है, बट अभी समझने की कोशिश करो कि व्हाई देयर इज ऑलवेज एन एडिशन हियर, देयर इज नेवर अ सब्ट्रैक्शन। अगर मान लो इसमें एरर है 0.01 का, है ना, इसमें एरर है 0.01 का ए में, और बी के मेजरमेंट में भी एरर है 0.01 का। ए को मैंने मेजर किया, कोई लेंथ है ए, उसमें एरर है 0.01 का, राइट। बी को मेजर किया, उसमें भी एरर है 0.01 का, तो जो टोटल जेड आएगा ए माइनस बी, उसमें भी एरर आएगा ना, वो एरर कैंसिल थोड़ी हो जाएगा। यस सर, ये 0.01 का एरर, इसमें 0.01 का एरर, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट एरर जीरो हो गया, है कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं क्या?
कैंसिल नहीं कर सकते, ये तो वही बात हो गई कि भाई पहले सब्जेक्ट में भी दो सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में भी फेल हुआ, दूसरे सब्जेक्ट में भी फेल हुआ, फेल फेल कैंसिल पास हो गया है, ऐसा फेल फेल कैंसिल हो सकता है क्या भाई? मैथ्स में भी फेल हुआ मैं, साइंस में भी फेल हुआ, तो एक काम करते हैं मैथ के फेल ने साइंस के फेल को कैंसिल कर दिया, ठीक है, और मैं टोटल पास हो गया, 100% मार्क्स आ गए मेरे, है ऐसा नहीं हो सकता ना। सो एरर एंड एरर कैन नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, एरर विल ऑलवेज ऐड अप, एरर हमेशा ऐड अप ही होगा, एरर बढ़ेगा, एक का एरर दूसरे को कभी कैंसिल नहीं कर सकता, एरर हमेशा इंक्रीज ही होगा। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो सबट्रैक्शन साइन हियर, एरर विल नॉट डिक्रीज, एरर विल नॉट कैंसिल, एरर विल ऐड। अभी मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देके एक चीज चमकाऊंगा, राइट, अभी हो सकता है इस एग्जांपल से इतना नहीं चमकाओ, पर जैसे वहां पे एडिशन में अपन ने एग्जांपल लिया था वायर वाला, वैसे यहां पे मैं वायर वाला एग्जांपल लेके चमकाऊंगा कि क्यों एरर ऐड ही हो रहा है, ठीक है, बट फॉर्मूले से ये आ रहा है, मैथमेटिकली ये आ रहा है, तो अगर मैथमेटिकली तुम्हें नहीं चमक रहा है तो फिर अब हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेके उसको समझने की कोशिश करते हैं, फील लेते हैं भाई, ठीक है, तो चलो भाई एग्जाम्पल लेंगे और उसकी फील लेंगे, फील लेने की कोशिश करो उसकी, ओके, फील लेनी पड़ती है फिजिक्स में, ये तो अभी फिजिक्स चालू नहीं हुआ है, ये तो ऐसे फालतू चीजें हैं, ठीक है, असली फिजिक्स चालू होगी आगे अगले चैप्टर में, फिर फील मैकेनिक्स में तो मोशन की फील लेनी होती है बैठ के, भावनाओं के साथ खेलना होता है, सवालों के भावनाओं के साथ खेलो, ऐसे भावनाओं के साथ खेलो, उसकी खिलवाड़ कर दो, ठीक है, चलो तो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, जैसा अपने वहां पे वायर वाला एग्जांपल लिया था वैसे मैं यहाँ पे मोस्ट एग्जांपल लूंगा और देखना दिखाएंगे व्हाई इज इट डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फील नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, चमक नहीं रहा, अनिल बोल रहा है सब चमका नहीं, मजा नहीं है, चमत्कार करो, ठीक है, अनिल तो चमत्कार के इंतजार में बैठा है, ठीक है, हमें भी बोल रहा है सर मान तो गए पर ऐसे मजा नहीं आया, अंदर से फील नहीं आई, ठीक है, तो अंदर से फील दिलाते हैं हमें तेरे को, आ जा भाई अंदर से फील दिलाएंगे, ओके, सो लेट्स से वी हैव अ वायर वन एंड वायर वन का लेंथ मैंने मेजर किया, so let's say a represents wire one का length, है ना, a represents this wire का length, नीले वाले wire का length, right, जैसा मैंने पिछले में किया था, तो इसका जो length है that is let's say 60 plus or minus 2 centimeter, same example ले रहा हूँ जो मैंने पिछले में लिया था, तो a represents wire one का length, पहले wire का length, नीले वाले wire का length, वो कितना है 60 is the mean value, error is 2, so plus or minus 2 centimeter, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से एक wire काट रहा हूँ, इसमें से मैं एक वायर यहां से काट रहा हूं, इस वायर को कट कर रहा हूं, कितने का 40 सेंटीमीटर का, ये टोटल है 60 सेंटीमीटर और मैं उसमें एक 40 सेंटीमीटर पोर्शन कट करना चाह रहा हूं, राइट, सो दिस एंटायर थिंग इज ए, दिस एंटायर थिंग इज ए, ये पूरी चीज है ये ए है नीले में जो है, बट अभी उसमें से मैं नीले में से ग्रीन पोर्शन, ग्रीन पोर्शन हरा पोर्शन, सबको नीला हरा दिख रहा है, कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं है सर, हैं, कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं है, ये की कलर है बार बार नीला आ रहा क्या है, ऐसा तो नहीं कोई मरीज तो नहीं है, हैं, मरीजों की दुनिया में कमी नहीं बता रहा हूँ, ठीक, तो नीला जो है वो ए है और हरा वायर, नीले में तो हरा वायर काट दिया मैंने, हरा वायर काट दिया, तो हरा वायर इज माय बी, तो बी रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ वायर, हरा वायर, ठीक है, हरे वायर का लेंथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, तो वो है लेट्स से 40 प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर, तो पहले अपन ऐड कर रहे थे कि वायर ए है 60 का, वायर बी है अलग से 40 का, दोनों को ऐड कर दिया, राइट, तो जेड वाज ए प्लस, अभी क्या है, वायर ए मेरे पास पहले से है नीला वाला 60 प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर, और वायर बी उसके अंदर से हरा वाला पोर्शन उसका काट दिया है, ये क्या 40 प्लस और माइनस 1, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा, ये बचा 20 सेंटीमीटर, ये वाला पोर्शन बचा ना, और ये जो ये वाला पोर्शन बचा है उसको मैं बोल दे रहा हूँ जेड, तो बड़े वायर में से छोटा वायर काटा तो राइट वाला पार्ट बच गया, नीले वायर में से हरा वाला काटा तो सफेद वाला बच गया, ठीक है, तो नाउ कैन बी राइट हियर जेड इक्वल्स ए माइनस बी, यस, बिकॉज जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ इन नीला वायर, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ए रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ इन नीला वायर, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ इन हरा, लेंथ इन ग्रीन वायर, और Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ इन व्हाइट वायर, तो कैन वी से लेंथ इन व्हाइट वायर इक्वल्स लेंथ इन ब्लू वायर माइनस लेंथ इन ग्रीन वायर, यस यस सर, यस, बोल सकते हैं ना, ब्लू वाले का माइनस उसमें से काट के तो बनाया है, तो नीले वाले का लेंथ माइनस हरे वाले का लेंथ इक्वल सफेद वाले का लेंथ, तो Z इक्वल्स A माइनस, ये चमका सबको, यस सर, ओके, बहुत बढ़िया, फिजिकल क्वांटिटी ऐसे रिलेटेड है, सो दिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड, अभी मेरे को बताओ ए जो है
ए का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए कौन सी रेंज में लाई कर सकता है, ए कौन सी रेंज में लाई 62 सेंटीमीटर मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 60+2 क्योंकि 60 इज द मीन वैल्यू, 60 इज द मीन वैल्यू पर एरर हो सकता है प्लस और माइनस 2 का, तो मैक्सिमम जा सकता है 60+2 62 दो का एरर हो जाएगा जब, और मिनिमम जा सकता है 60-2 विच इज 58-62 जैसा अपन ने पिछली क्लास में किया था। तो ऐसे लिखते हैं, अभी तुमने गणित में पढ़ा नहीं है पर सेकंड चैप्टर पढ़ो। ये क्या, किसी को समझ में आ रहा है ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या त्रिशूल बना दिया, क्या ये बिलोंग्स टू, अरे बिलोंग्स टू ज्ञानी, कौन था ये ज्ञानी, आयुष किधर पढ़ा तूने सर, सेट्स और रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ लिया सर मैंने, कहां से एनसीईआरटी से, यूट्यूब, अरे वाह आयुष तो दो कदम आगे हम लोगों से, ठीक है आयुष बोल रहा है, अभी तो पहला चैप्टर पढ़ रहा है चल रहा है, मैं दूसरा चैप्टर खुद से पढ़ लूंगा, ठीक है दूसरा चैप्टर खुद से पढ़ लूंगा, क्लास में आंसर दूंगा मस्त, ठीक है मजा आ जाएगा। तो काफी फुर्ती दिखाई आयुष ने, इंतजार नहीं किया, किसी के लिए रुका नहीं वो, ठीक है सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गया, बहुत बड़ा आयुष। सो दिस मींस बिलोंग्स टू, मतलब ए का वैल्यू कैन लाई बिटवीन 58 एंड 60 सिंपल भाषा में, ठीक है जिसको अंग्रेजी से डर लग रहा है, सिंपल भाषा में ए का वैल्यू कैन बी एनीथिंग बिटवीन 58 एंड 62 है ना, राइट तो ए का मैक्सिमम मिनिमम पता है, जेड का मैक्सिमम मिनिमम सॉरी बी का मैक्सिमम मिनिमम पता है। अब सोचो एक जेड क्या है, ए माइनस बी, मतलब ए में से ए वायर में से मैंने बी वायर को काट दिया तो मेरे को जेड बचा, राइट जेड है वो जो बचा हुआ है, तो ए में से बी को काट दिया तो मेरे को जेड बचा। अभी सोच के बताओ यूजिंग दिस, ए का मिनिमम मैक्सिमम पता है, बी का मिनिमम मैक्सिमम पता है, मेरे को बताओ व्हाट इज द मिनिमम और व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। ध्यान से देखना, जेड है ए से बी काट दिया तो जो बचा, तो ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो जेड का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, बट टेल मी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, 32-39 वैल्यू बताओ कितना है, 20 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड 19 ओके ठीक है। ऋषिकेश कितना है जेड का मैक्सिमम वैल्यू, 23 आएगा, अलग अलग आंसर, 62-41 चिन्मय चिन्मय क्या आएगा बोल, चिन्मय क्या लगता है, काफी अलग अलग आंसर है 19, 20, 21, 23 मैं बोल क्यों नहीं रहा है, अब तुमने डरा दिया तेरे को, केदार क्या होना चाहिए आंसर, आई फील इट्स 21 ओके काफी अलग अलग जवाब आ रहे हैं, 23 आएगा सर, 23 बिकॉज़ 69 लोएस्ट है ना, ओके देखो जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 17 तो जब अपन ने ए प्लस बी किया था, याद करो जब अपन ने ए प्लस बी किया था तो अपन ने यहाँ पे भी 62 लिया था मैक्सिमम और यहाँ पे भी मैक्सिमम लिया था 41 तो 62+41 अपन बोल दिया था 103 विल बी मैक्सिमम है ना, याद है ना, पर यहाँ पे जब z को मैक्सिमाइज करना है सो डोंट टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b, राइट वो तुम कर सकते हो पर उससे तुम्हारा z मैक्सिमम नहीं आएगा। तो देखो क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं a को बढ़ाऊंगा, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, अगर मैं a को बढ़ाऊंगा z बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा सर, a को बढ़ाऊंगा तो z बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा राइट, ए को बढ़ाएंगे तो जेड बढ़ेगा सिंपल है। अभी तो बी को बढ़ाऊंगा मैं, बी के सामने माइनस है, बी को मैं बढ़ाऊंगा तो जेड बढ़ेगा या कम होगा,
कम होगा। तो b को बढ़ाने से z बढ़ नहीं रहा है, b को बढ़ाने से z कम हो रहा है। a प्लस b था जब, तो दोनों को बढ़ाओ तो बढ़ेगा, पर जब z इक्वल a माइनस b है, b के सामने नेगेटिव साइन है, तो a को बढ़ाने पे z बढ़ेगा पर b को बढ़ाने पे z कम होगा। तो मेरे को अगर z मैक्सिमम चाहिए तो क्या होना चाहिए, a क्या होना चाहिए ज्यादा, a टू माइनस 39, और b क्या होना चाहिए कम, क्योंकि जब b कम होगा तभी तो z ज्यादा होगा, चमक रहा है ये चीज। और बी कम करने पे जेड बढ़ता है, तो ए को मैं बढ़ाऊंगा 62 लूंगा और जेड को मैं कम करूंगा 39 लूंगा, तो ये आएगा 62 माइनस 39 विच इज 23। तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू 23। चमका सबको ये? अगर z को कम करना है तो a को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। a कम करेंगे तो z कम हो जाएगा, और b को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा भाई, क्योंकि b जितना बढ़ाऊंगा z कम हो जाएगा, तो a का मेरे को कम करना पड़ेगा, b को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके z कम होगा। तो a सबसे कम कितना ले सकता हूँ? 58। b सबसे ज्यादा मैं कितना ले सकता हूँ? 41। तो 58 माइनस 41 कितना आया? 17। तुम कुछ भी और कॉम्बिनेशन लेके देखो, टेक एनी अदर कॉम्बिनेशन, 17 से कम कभी नहीं आएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z ये 17, जब a सबसे कम है और b सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओके। अभी देखो 23 को मैं क्या ले सकता हूँ? 20 प्लस 3 इसको ऐसे लिखते हैं भैया। 17 को क्या ले सकते हैं? 20 माइनस 3। और देखो z का मैक्सिमम वैल्यू, ये तो अपन बचपन से जानते हैं, z का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? z बार प्लस डेल्टा z। तो z का मैक्सिमम वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला मैं क्या लिख दूंगा? z बार प्लस डेल्टा z। और z का जो मिनिमम वैल्यू है उसको मैं भी बचपन से जानता हूँ, क्या लिख दूंगा? z बार माइनस डेल्टा z। माइनस डेल्टा z, ये होगा मिनिमम वैल्यू। तो z बार प्लस डेल्टा z जो है वो है 20 प्लस 3, z बार माइनस डेल्टा z जो है वो 20 माइनस 3। तो बताओ z बार कितना हुआ?40। 60 माइनस 40 कितना होता है? 20। तो z बार जो है वो 20 सेंटीमीटर है, जो कि 60 माइनस 40 a बार माइनस b बार है, राइट? सिमिलरली डेल्टा z, डेल्टा z आया कितना? 3 है ना, z बार डेल्टा z आया ऐसे 3, डेल्टा z आया 3, और देखो डेल्टा a कितना था? 2, डेल्टा b कितना था? 1। तो ये डेल्टा a माइनस डेल्टा b है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो जेड बार आया ए बार माइनस बी बार, और डेल्टा जेड आया डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ऐसा आया। ठीक है, तो ये अपने एग्जांपल लिया था, वी डिड नॉट डिराइव और वी डिड नॉट डू एनी मैथमेटिक्स, बस अपने एग्जांपल लिया और लॉजिक लगाया। तो जब एग्जांपल, तो पहले जो अपने मैथमेटिकली डिराइव किया था तो अपना आया था ये जेड बार इक्वल ए बार माइनस बी बार, और डेल्टा z इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और जब भी एग्जांपल लेके लॉजिकली किया तो भी आ गया, तो
तो भी जेड बार इक्वल्स ए बार माइनस बी बार आ गया और डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी सेम ही आ गया है? ऐसा कैसे सेम कैसे आ गया भाई इसको कैसे चमत्कार हो गया सर चमत्कार हो गया क्यों भाई अनुराग अनुराग के चेहरे पर खुशी अनुराग बोल रहा मेरा जीवन सफल आज की क्लास में चमत्कार हो गया मेरा तो क्लास सफल हो गई ठीक है जाके मम्मी को बताऊंगा चमत्कार कर दिया मैं ठीक है बहुत बढ़िया ऑल राइट सो देखो अभी मैं तुम्हें चमकाता हूँ कि क्यों डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया क्यों डेल्टा जेड थ्री आया राइट देखो द रीजन डेल्टा जेड द एरर थ्री आया मीन वैल्यू तो वही आएगा 60 माइनस 40 20 सो 20 है बट 20 से वो कितना ऊपर या 20 से कितना नीचे जा सकता है तो देखो इसमें एरर है दो का इसमें एरर है एक का राइट तो अगर मैं इससे दो ऊपर जाऊं मीन वैल्यू इसका है 60 इसका मीन वैल्यू है 40 तो अगर मैं मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कितना आएगा 20 आएगा जो यहां पे मीन वैल्यू है ओके नो प्रॉब्लम अगर देखो जब अपन जब तुम्हारे दिमाग में आ रहा था कि एरर शुड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट वो तुम्हारे दिमाग में इसलिए आ रहा था क्योंकि तुम बोल रहे थे अच्छा ये 60 मीन वैल्यू है बट ये एरर से एरर है इसमें 2 का तो ये 60 से 2 ऊपर जा सकता है राइट 60 से 2 ऊपर जा सकता है तो 60 प्लस 2 हो सकता है राइट ये भी 40 से 1 ऊपर जा सकता है 40 प्लस 1 हो सकता है तो ये 2 ऊपर जा सकता है ये 1 ऊपर जा सकता है तो ये 2 ऊपर गया ये 1 ऊपर गया तो आई विल डू 60 प्लस 2 माइनस 40 प्लस 1 यही करूंगा मैं ये 2 ऊपर गया ये 1 ऊपर गया राइट तो 60 माइनस 40 तो 20 है पर ये क्या बचेगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 कितना होता है 1 तो 20 प्लस 1 ये तुम लोग सोच रहे थे कि अरे वी आर सब्ट्रैक्टिंग तो फिर मैक्सिमम लाने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस तो ये हो जाएगा 60 प्लस 2 ये हो जाएगा 40 प्लस 1 तो ये और ये भी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है मीन वैल्यू बट एरर भी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहां से देख के लग रहा है बट नाउ व्हाट वी आर आर्ग्यूइंग इज कि यहां पे तो मैं 60 प्लस 2 दो ऊपर जाऊंगा पर यहां पे जरूरी थोड़े ना ऊपर जाऊं मैं नीचे भी तो जा सकता हूं मैं नीचे भी तो जा सकता हूं राइट और अभी मैं नीचे जाऊंगा तो जब मैं नीचे जाऊंगा तो वो 2 माइनस माइनस 1 60 माइनस 40 तो 20 रहेगा बट 2 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 3 राइट सो व्हेन वी से डेल्टा जेड वी आर लुकिंग एट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर वी आर लुकिंग एट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर एंड इसमें जब मैं 62 और 41 को यानी कि प्लस 2 वाला और प्लस 1 वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को एरर 1 तो आएगा बट 1 इज नॉट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो यू कैन डू डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी बट डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी डज नॉट गिव अस द मैक्सिमम पॉसिबल एरर अपने को मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड निकालना है अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड निकालना है तो मैं इसको मीन वैल्यू से 2 ऊपर लूंगा बट क्योंकि यहां पे सब्ट्रैक्शन है बीच में तो इसको मेरे को मीन वैल्यू से 1 नीचे लेना है राइट तो तब जाके वो 2 माइनस माइनस 1 3 हो जाएगा राइट दैट इज व्हाई एरर ऐड ही होगा ठीक है जब मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल रहा हूं वो ऐड ही होगा इवन दो डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी इज आल्सो एन एरर 20 प्लस 1 बट दैट इज नॉट गिविंग अस द मैक्सिमम पॉसिबल एरर मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए मेरे को ए को ज्यादा वाला लेना है और बी को कम वाला लेना है राइट तो जब मैं ए को ज्यादा लूंगा तो यहां पे प्लस आएगा बी को कम लूंगा तो यहां पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस बन के प्लस बन जाएगा राइट एंड दैट इज व्हाई क्योंकि वो माइनस माइनस बन के प्लस बन जाता है वी हैव डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी राइट इवन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ठीक है तो यहां पे 60 प्लस 2 लिया यहां पे 40 माइनस 1 लिया यहां पे 40 प्लस 1 नहीं लिया इसलिए वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गया चमका ये चीज सबको यस सर आई की नहीं आई अंदर से अभी शांत कैसे बैठे हो इतने मस्त चमक गया यासर तो बोल रहा है गजब मजा आ गया दिल खुश हो गया बहुत बढ़िया शांतनु समझनिया ओम निखिल चमका यस सर बहुत बढ़िया ऑलराइट गजब ऑलराइट ठीक है लेट्स मूव ऑन सो नाउ वी हैव सीन एडिशन एंड वी हैव सीन सब्ट्रैक्शन इनका जनरलाइज करते हैं एडिशन में अपन ने क्या देखा जेड इक्वल्स ए प्लस बी मीन वैल्यू तो ऐड होगा जेड बार प्लस ए बार एरर भी ऐड होगा डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी
सब्ट्रैक्शन में जेड इक्वल्स ए माइनस बी, तो मीन वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होता है, जेड बार इक्वल्स ए बार माइनस यू बार, बट एरर अभी भी एड ही होता है, डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो मीन वैल्यू तो हमेशा जो मेरा फॉर्मूला है उसको फॉलो करेगा, अगर जेड इक्वल्स ए प्लस बी है तो जेड बार इक्वल्स ए बार प्लस बी बार, जेड इक्वल्स माइनस बी है तो जेड बार इक्वल्स ए बार माइनस बी बार, जो मेरा फॉर्मूला है वही मीन वैल्यू का भी रिलेशन होगा, बट एरर का ऐसा नहीं है, एरर इन बोथ केसेस चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो इट विल ऑलवेज एड अप, ए माइनस बी हो ए प्लस बी हो कुछ भी हो इट विल ऑलवेज एड अप, द साइन डज नॉट मैटर, ए प्लस बी ए माइनस बी बी माइनस ए माइनस ए माइनस बी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, एंड दे कैन बी मोर देन टू क्वांटिटी आल्सो, सॉरी सोचा है दो ही क्वांटिटीज के लिए पड़ा है, ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, इफ जेड इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, इफ जेड इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, राइट, इफ जेड इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही दो का आ गया तीन में आ गया तो डर लग रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो भी क्या हो जाएगा डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी एड हो जाएगा, जेड इक्वल्स ए माइनस बी माइनस सी क्या हो जाएगा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c राइट, बट मीन वैल्यू कैसे करना है, मीन वैल्यू ऑलवेज फॉलो द सेम रिलेशन, राइट, मैं यहां पे लिख देता हूं, किधर लिखूंगा, जगह की कमी पड़ गई है, z इक्वल a प्लस b प्लस c, तो डेल्टा z इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस c, व्हाट इज z बार a bar plus b bar plus c bar, right, if z equals a minus b minus c, तीन आ गए, तीन चार पांच कितने भी आ जाएं, तो डेल्टा z is क्या delta a plus delta b plus delta c, तो एरर में हमेशा ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, डेल्टा a plus delta b plus delta c, और z bar क्या होगा a bar minus b bar minus c bar, yes, तो जब मीन वैल्यू निकाल रहे हो तो मीन वैल्यू में जो फॉर्मूला है वैसा आएगा, जहां पे प्लस है फॉर्मूले में वहां पे प्लस आएगा, मीन वैल्यू में भी, और जहां पे माइनस है वहां पे माइनस आएगा, z इक्वल a प्लस b प्लस c, तो z बार इक्वल a बार प्लस b बार प्लस c बार, राइट, और z इक्वल a माइनस b माइनस c, तो z बार इक्वल a माइनस b बार माइनस c बार, बट एरर विल ऑलवेज एड ओनली, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, राइट, तो इसको जनरलाइज करते हैं, लिख लो भाई स्टेटमेंट, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज When two or more quantities are added or subtracted, when two or more quantities are added or subtracted, then the absolute error in the final result is the sum of the absolute error of kya individual quantities, theek hai, two or more quantities agar add ho rahi hai ya subtract ho rahi hai, a plus b a minus b kuch bhi, then the absolute error, not the relative error, absolute error jo hai in the final answer is the sum, hamesha chahe yahan pe addition ho ya subtraction ho, yahan pe hamesha sum hi aayega, of the absolute error in the individual quantity, so absolute error in the result delta z is the sum of the absolute error in the individual quantities delta a plus delta b plus delta c plus delta d, theek hai, to bas jab bhi add ya subtract ho raha absolute error ko beshermi se add karo, karo jump kar gaya sabko, jump kar gaya bolo, jump kar gaya, yes sir, yes sir, bahut bada shabash, do rahe phod rahe kaafi shandar pradarshan, gazab ka pradarshan, to subtraction ko dho diya hai, theek hai, subtraction ko dho diya hai, ठीक है, काफी धूल चढ़ाई है इसको, अभी नेक्स्ट थिंग, अगला चीज कौन है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जब दो कोई दो क्वांटिटी जो है वो रिलेशन z equals a plus b z equals a minus b वाला ना हो बल्कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला हो, क्योंकि ज्यादातर वही आता है, तो ये अभी बहुत शो ऑफ कर रहा है, ये भी बहुत उछल रहा है, ये बोल रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आसान था, ठीक है, निकाल दिया तुमने, मुझे निकाल के बताओ, ऐसे हंस रहा है तुम पे, ठीक है, हंस रहा है तुम पे, क्या करोगे इसके साथ, बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है तुम्हारे ऊपर बिना किसी शर्म के, क्या करेंगे भाई इसके साथ, सर दांत तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे, एकदम सही, एकदम, मतलब मुंह तोड़ जवाब, हाथ पैर सब तोड़ देंगे इसके, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं इसको, बहुत हंस रहा है, ठीक है, अभी रोना निकालेंगे इसका, बहुत हंस रहा, नहीं क्यों भाई रोना निकाल दे इसका,
धूल चटा देंगे, धूल चटा दो बस, मतलब अभी बहुत जितना हंस रहा है ना उतना ही रुलाएंगे। चलो भाई आने देते हैं, फोड़ देते हैं, रोना निकाल देंगे इसका। चलो भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सबसे पहले मैं निकालता हूँ मल्टीप्लिकेशन, राइट ध्यान से देना नहीं तो कहीं तुम्हारा ही रोना निकल जाए। ध्यान से देखो, जो ध्यान नहीं देगा, जो ध्यान नहीं देगा, जो इधर उधर पबजी में ध्यान लगाएगा, ठीक है, उसका खुद का रोना नहीं निकल जाए कहीं, याद रखना। तो इसका रोना निकालना है तो इधर ध्यान दो। ऑलराइट, सो मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन बताऊं बाद में डिवीजन बताऊं। ओके गजब, मल्टीप्लिकेशन मतलब भैया जेड इक्वल टू ए इनटू बी, एरिया फॉर एग्जांपल एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, गजब है। जेड इक्वल टू ए इनटू बी, अगेन मेरे को ए पता है, ए बार पता है, बी बार पता है, डेल्टा ए पता है, डेल्टा बी पता है, मेरे को निकालना है डेल्टा जेड और जेड बार, हमेशा यही है, ए बार बी बार पता है, डेल्टा ए डेल्टा बी पता है, और जेड बार निकालना है, डेल्टा जेड निकालना। अब मैं क्या करूं, बोलो कैसे निकालें, निकालना है मेरे को जेड बार और डेल्टा जेड, क्या करूंगा सर? जेड बार इज इक्वल टू ए बार इनटू बी बार। अरे जेड बार इक्वल टू ए बार इनटू बी बार, ओके, और डेल्टा जेड, बोलो, चलो काफी आसान चीज थी। और डेल्टा जेड क्या होगा वो तो देख के पता नहीं लग रहा है, डेल्टा इनटू डेल्टा बी, डेल्टा जेड इज डेल्टा इनटू डेल्टा बी, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और डेल्टा जेड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा जेड इज डेल्टा इनटू डेल्टा बी, हो गया, यस कर दिया, सही है ना, सही है, डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए इनटू डेल्टा बी, क्यों भाई सही लग रहा है मेरे को तो, मैं तो मान लेता हूँ। अनिशा मैडम सही है ना, डेल्टा जेड इज डेल्टा ए इनटू डेल्टा बी सर, इट इज, but the multiplication, I mean it is like multiplication of binomial into binomial. हाँ तो काफी खतरनाक चीज बोल दी अभी, binomial binomial बोल के हमको डराने की कोशिश कर रही है, मेरे को पता है, ठीक है, binomial ऐसे ऐसे शब्द बोल देती हूँ, ठीक है, काफी खतरनाक शब्दों का प्रयोग किया निशा ने, तो फिर क्या होना चाहिए निशा? चलो कोई बात, निकालते हैं, देख के पता नहीं लग रहा है पर निकालते हैं। तो मैं जेड को क्या लिखूंगा, डिराइव करने का मेथड वही है जो पहले था, जेड को मैं क्या लिखूंगा, जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड, है ना भैया, ये लिखेंगे। ए को क्या लिखूंगा, ए बार प्लस और माइनस डेल्टा से ए, और मल्टीप्लाइड बाय बी को क्या लिखेंगे, बी बार प्लस और माइनस डेल्टा बी, सब्स्टिट्यूट कर दो बस बेशर्मी से, ये तो अपने को पता ही है ऐसे लिखते हैं। ओके, तो एलएचएस में तो मेरा आ गया Z बार प्लस माइनस डेल्टा, राइट। RHS में तो कितनी टर्म्स आएंगी अभी, अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, कितनी टर्म्स आएंगी, कितनी टर्म्स आएंगे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने टर्म आएंगे, दो टर्म एक A में, दो टर्म B में, कितने और टर्म हो जाएंगे मल्टीप्लाई करोगे तो, फोर टर्म्स, चार हो जाएंगे ना, इतना सोच कर रहे हो, हाँ ओके ठीक है। पहली टर्म शांतनु बता, पहली टर्म शांतनु मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगा, जल्दी बोल, जल्दी बोल, ए बार इनटू बी बार, ए बार इनटू बी बार, बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या आएगा शांतनु, प्लस डेल्टा ए इनटू डेल्टा बी, प्लस माइनस, प्लस माइनस ना, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए बार इनटू बी बार, बहुत बढ़िया, फिर इसको इससे किया तो प्लस माइनस है, भूलना नहीं, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी बार, राइट, तीसरा टर्म बता चंद्रो, सर ए बार इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी, यस, तो ए बार दिस थिंग इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी, या प्लस माइनस बाहर ले लो, तो प्लस माइनस बाहर ले लिया तो डेल्टा बी ए बार, राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इससे किया तो ए बार बी बार, फिर इसको इससे किया प्लस माइनस डेल्टा ए बी बार, फिर इसको इससे किया प्लस माइनस डेल्टा बी ए बार, आखिरी में आखिरी टर्म क्या आएगा, सर डेल्टा ए इनटू डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा इनटू डेल्टा, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, सबको चमक गया यहां तक, बस मल्टीप्लाई किया भाई पहली कक्षा में, निकल गया सर, है ना, चार टर्म आ गए, बस मल्टीप्लाई कर दिया, और जहां पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आ जाएगा, बहुत ही घिसा पिटा,
तो अभी देखो वही जो अपन पहले करते थे सेम ही तरीका है, z बार प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स यहाँ पे हो गया a बार b बार। क्या करेंगे अगला स्टेप क्या होगा, प्लस माइनस कॉमन लेंगे जैसे उधर किया था। सोच क्या रहे हो, सोचने वाला सवाल पूछ लिया आपने हैं? तानी का दिमाग क्या लगाने की होती है, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ जाती है अपने को भी। क्या करना है दिमाग के साथ, क्या करना है अपने को हैं? बेच देना है सर। बाजार में जाके बेच रहे हैं, ठीक है बाजार में जाके बेच दो, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दिमाग लगा रहे, खतरनाक सवाल पूछ लिया, दिमाग का प्रयोग करूंगा, वो सब नहीं करना। तो प्लस माइनस कॉमन लो, खतरनाक चीजें तो अपन करते ही नहीं, नियमों के खिलाफ है, सरकार के, मेरे नहीं सरकार है। प्लस माइनस, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा डेल्टा ए बी। अरे डेल्टा ए खा गया मैं, इतनी भूख लग रही है मेरे को है? कुछ भी करोगे खा जाओगे डेल्टा ए। डेल्टा ए बी बार प्लस क्या आएगा डेल्टा बी ए बार प्लस क्या आ जाएगा डेल्टा ए डेल्टा बी, डेल्टा ए डेल्टा बी। बस प्लस माइनस कॉमन लिया, तीन टर्म्स प्लस माइनस के अंदर है और एक टर्म बाहर है। तो अभी भाई कंपेयर करेंगे भाई, दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव गॉट, कंपेयर करेंगे मीन वैल्यू ऑफ एलएचएस इक्वल्स मीन वैल्यू ऑफ आरएचएस, एरर इन एलएचएस इक्वल्स एरर इन आरएचएस। मीन वैल्यू ऑफ एलएचएस क्या है, z बार a बार इन a बार, बार इज इक्वल टू a बार इनटू v बार। मीन वैल्यू ऑफ आरएचएस क्या है, a बार b बार। तो भैया ये तो डायरेक्ट था z बार इक्वल्स a बार b बार, और ये तो अवधूत ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी, है कि नहीं? अवधूत ने पहले बोल दिया सर, भविष्यवाणी कर दी थी अवधूत ने, खतरनाक भविष्यवाणी, तुक्का था ये भविष्यवाणी थी अवधूत? नो सर, श्योर आंसर था। अरे वाह, काफी खतरनाक भविष्यवाणी। तो आगे से तुम्हें कभी कुछ अपने भविष्य वगैरह में जानकार पता करने हो तो ज्योतिष ज्योतिष के पास मत जाना, ठीक है, अवधूत ही बता देगा। ओके ठीक है अवधूत, कौन जीतेगा आईपीएल, भविष्यवाणी कर। मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी पक्का हारेगी सर। अच्छा आरसीबी पक्का हारेगी, आरसीबी का नाम ले, अभी यासर को देखो, आरसीबी का नाम सुनते बौखला जाता है, ठीक है एकदम बौखला गया हो, आरसीबी का नाम किसने लिया मेरे सामने, आरसीबी का नाम बौखला गया यासर, है ना। ऑलराइट, तो जेड बार इक्वल्स ए बार इनटू बी बार, राइट, दिस व्हाट वी गेट। वो तो आना भी था क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो मीन वैल्यू भी तो मल्टीप्लाई होगा, सो मीन वैल्यू ऑलवेज फॉलोज द सेम एग्जैक्ट रिलेशन, दैट इज द रिलेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो ए प्लस बी तो मीन वैल्यू भी ए बार प्लस बी बार, अगर सबट्रैक्ट कर रहे हो तो मीन वैल्यू भी ए बार माइनस बी बार, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो z इक्वल्स a माइनस b तो मीन वैल्यू भी z बार इक्वल्स a बार माइनस b, a बार इनटू b बार जो आ गया है, z बार इक्वल्स a बार इनटू b बार। तो मीन वैल्यू हमेशा सेम फॉलो करता है रिलेशन, बट लुक एट डेल्टा z, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डेल्टा z, वी आर इंटरेस्टेड इन द एरर। अभी डेल्टा z एरर क्या आ गया, एरर क्या आ गया, क्या आ गया, प्लस और माइनस डेल्टा a b बार प्लस डेल्टा b a बार प्लस डेल्टा a डेल्टा b। तो ये तो अभी खतरनाक है, बहुत सारा खतरनाक दिख रहा है भाई, ये तो अभी तो अच्छा कहता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डेल्टा माइनस ए माइनस डेल्टा बी आ रहा था और मेरे को लगा इसमें डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी आ जाएगा, पर ये तो खतरनाक है, डेल्टा ए इंटू बी बार प्लस डेल्टा बी इंटू ए बार प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डर लग रहा है, डर लग रहा है ना, खतरनाक लग रहा है ये तो सर, नहीं लगा डर? अरे वाह शाबाश, नहीं सर तो डर को निकाल दो। अभी देखो अभी एक करेंगे चालाकी, अभी विल डू चालाकी, ये चापा सबने, यस सर, यस सर, आगे देखो, यस सर, ऑलराइट, अभी आगे देखो, राइट, सो डेल्टा जेड ही आ गया, राइट, अभी अपन करेंगे एक शानदार चालाकी, क्या चालाकी करेंगे, चालाकी, बहुत काम आएगी जीवन में चालाकी, बता रहा हूं, ठीक है, तो अभी मैं करूंगा चालाकी, क्या चालाकी करूंगा, देखो ये जो एरर्स होते हैं डेल्टा ए डेल्टा बी, दीज एरर्स आर यूजुअली स्मॉल या वेरी लार्ज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर्स कम होते हैं या एरर्स ज्यादा होते हैं, मतलब एरर ऐसा होगा 1% 2% 3% 0.5% या फिर ऐसा होगा 50% का एरर 100% का एरर, कैसा होगा, कम होगा सर परसेंटेज, कम होगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं टेबल का लेंथ मेजर कर रहा हूँ, टेबल का लेंथ है 5 मीटर और मेरा मेजरमेंट आ गया 10 मीटर, वाह भाई, टेबल का लेंथ था
5 मीटर और मेरा आंसर आ रहा 10 मीटर जिस 100% एरर ऐसा होता है क्या किसी के साथ हैं ऐसा किसी के साथ हुआ ऐसा उस मरीजों के साथ होता है ठीक है मरीजों के साथ 5 मीटर का टेबल है मरीज 10 मीटर दिख रहा ठीक है मरीज को पता नहीं लगता मरीज को तो मुझे सड़क पे वो जो है वो क्या है वो कार है कि वो बस है मरीज कंफ्यूज होगा कार है बस है अरे जैसा लग रहा है पता नहीं लग रहा है ठीक है तो मरीजों की बात नहीं चलती पर नॉर्मल ह्यूमन इंसान राइट में इतना एरर नहीं आएगा अब 5 मीटर का है तो 5 मीटर का तो ऐसा 5.1 मीटर आ सकता है राइट 5.2 मीटर आ सकता है पर ऐसा नहीं है 5 मीटर का 10 मीटर आ जाएगा तो ऐसा 50% 100% एरर नहीं होता एरर आर यूजुअली स्मॉल एरर आर यूजुअली लेस देन 10% से कम रहता है ठीक है तो अगर एरर 10% से कम है एरर 10% से कम है अभी एक एग्जांपल लेते हैं है ना मान लो मेरा ए बार कितना है 10 ठीक है ए बार है 10 वैल्यू ले लो डेल्टा है कितना ले बताओ कुछ भी तुक्का मारो कुछ भी सट्टा लगाओ सट्टा कुछ भी लगाओ कुछ भी बोलो क्या जाता है अपना पर ऐसे बहुत ज्यादा नहीं लेना है ए बार अगर 10 है तो डेल्टा है कितना ले बोलो जो तुम बोलोगे ले लूंगा जो बोलोगे ले लूंगा तो एरर बहुत ज्यादा यूजुअली नहीं होता है ठीक है तो डेल्टा ए मैं ले लेता हूँ मान लो 0.1 ठीक है 0.1 ठीक है इतना ले लिया चलो बहुत बढ़िया राइट अभी आगे बी बार ठीक है तो भाई वेदांत बी बार कितना ले बोल जितना तो बोलेगा ले लेंगे जो इच्छा बोल जो मन में आ रहा है कुछ बोल दे क्या जा रहा है अपना कितना लेंगे बी बार बोलना वेदांत ये वेदांत वेदांत बोलना ही नहीं चाह रहा है ठीक है वेदांत बोल रहा है मेरी बात मत मानो मैं कुछ भी बोल देता हूँ उल्टा सीधा किसी और से पूछ लो यासर कितना लेंगे बता बी बार जल्दी बोल अरे कुछ भी बोल दो यार क्या तुम लोग टाइम वेस्ट करते हो क्लास 0.3 बी बार मैंने ले लिया 20 ठीक है बोल रहा हूँ बोलो तो कुछ बोलो नेक्स्ट टाइम से कुछ बोलेगा नहीं मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से डेल्टा बी हाँ भाई डेल्टा बी कितना लेंगे 0.4 0.5 पहली टर्म जो है डेल्टा ए इंटू बी बार का वैल्यू बताओ मेरे को कितना आ रहा है डेल्टा ए इंटू बी बार का वैल्यू बताओ दिस इज 20 दिस इज 0.1 कितना आया दो ये देखो 0.5 × 10 ये कितना आया 5 ये देखो 0.1 × 0.5 कितना आया 0.05 देखो अभी देखो ये आ गया 2 ये आ गया फर्स्ट टाइम आ गया 2 फर्स्ट टाइम आ गया सेकंड टाइम आ गया 5 ये आ गया 0.5 So compared to these two, अभी मैं इन दोनों को ऐड करूंगा हो जाएगा 7, right? But ये वाला जो टर्म है is very small, right? और अभी तो अपन ने एरर अच्छा खासा लिया है अगर अपन एरर और कम लेंगे एरर यूजुअली इससे और कम होता है राइट तो अगर इससे एरर और कम है तो ये टर्म और भी कम आएगा राइट सो कंपेयर टू द फर्स्ट टू टर्म्स क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो तीसरा टर्म है वो बहुत छोटा है बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं 100 टाइम इन दोनों का जो समय वो 7 हो जाएगा और ये 0.05 तो 100 टाइम से ज्यादा है राइट तो क्योंकि जो ये वाला टर्म है डेल्टा ए डेल्टा बी दिस विल ऑलवेज बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू दीस टू टर्म क्यों क्योंकि देखो डेल्टा ए स्मॉल डेल्टा बी स्मॉल यहाँ पे डेल्टा ए स्मॉल है पर बी बार ज्यादा है तो वो कंपनसेट कर लेगा यहाँ पे डेल्टा बी कम है ए बार ज्यादा है तो वो कंपनसेट कर लेगा राइट मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे दोनों ही कम है अगर तुम दो छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो और भी छोटा नंबर बन जाएगा कि नहीं yes, sir. Yes, sir. दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी ज्यादा छोटा बन जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए कुछ है नहीं दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई किया और ये और भी ज्यादा छोटा बन गया पर यहाँ पे ऐसा नहीं है
एक छोटे को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक छोटे को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये दोनों टर्म्स अच्छी खासी रहेंगी बट ये टर्म काफी कम रहेगा. तो दैट इज वाई व्हाट वी डू इज वी मेक एन अप्रोक्सीमेशन, वी मेक एन अप्रोक्सीमेशन दैट सिंस एरर्स आर स्मॉल द टर्म डेल्टा ए डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर टू टर्म. ये है अपनी चालाकी, ये है अपना अप्रोक्सीमेशन. सो सिंस एरर्स आर स्मॉल, क्योंकि एरर कम है, हेंस द टर्म डेल्टा ए डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर टू टर्म्स. अदर टू टर्म्स के कंपैरिजन बहुत छोटा है. और मैंने क्या बताया था, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एक टर्म बाकी टर्म के कंपैरिजन बहुत छोटा है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं, उसको बेशर्मी से इग्नोर मार देते हैं, राइट. तो क्योंकि ये वाला टर्म डेल्टा ई डेल्टा बी बहुत छोटा है कंपेयर टू दीज टू टर्म्स, तो इसको निग्लेक्ट मार. सो द टर्म डेल्टा ई डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड to the other two terms and hence it can be neglected. बेशर्मी से इसको neglect कर देंगे, कुछ भी शर्म नहीं आई है, बेशर्मी से मस्त neglect कर देंगे, hence it can be neglected. ठीक है, गजब चालाकी की, शानदार. ठीक है, अभी देखो रोना निकालेंगे इसका. तो अभी डेल्टा जेड के मेरा क्या बचा, आखिरी टर्म को मैंने बेशर्मी से भगा दिया, तो क्या बचा, डेल्टा ए बी बार प्लस डेल्टा बी ए बार, ये बचा है कि नहीं. यस, अभी देखो एक और चालाकी, अभी भी मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है देख के, शक्ल पसंद नहीं आई इसकी, तो एक और चालाकी करेंगे. पूरे को एलएचएस और आरएचएस में जेड बार से डिवाइड करो, डिवाइड बाय जेड बार, डिवाइड बाय जेड बार से डिवाइड करो. अगर Z bar से डिवाइड किया LHS में क्या हो जाएगा, डेल्टा Z by Z bar. RHS में क्या हो जाएगा, डेल्टा A B bar डिवाइड बाय Z bar. Z bar कितना था, Z bar कितना था, A bar into B bar. सो क्या रहे हो, जवाब दो, Z bar is A bar into B bar. तो Z bar से डिवाइड किया है, मतलब सेम चीज A bar into B bar से डिवाइड किया, तो RHS में हो जाएगा डेल्टा A B bar डिवाइड बाय A bar B bar, मस्त, प्लस डेल्टा बी ए बार डिवाइडेड बाय, इधर भी जेड बार से डिवाइड किया विच इज सेम एज ए बार बी बार, जेड बार सेम एज ए बार बी बार, बहुत ही गजब. तो डेल्टा ए इंटू बी बार डिवाइड बाय ए बार बी बार प्लस डेल्टा बी इंटू ए बार डिवाइड बाय ए बार बी बार. अभी देखो क्या हो रहा है, ये बी बार मत कैंसिल हुआ ना, और यहां पे ए बार मत कैंसिल हुआ, राइट. तो क्या बचा मेरा, मेरा ये आया डेल्टा जेड बाय जेड बार इक्वल क्या आएगा, डेल्टा ए बाय ए बार डेल्टा सम ऑफ रिलेटिव एरर्स आएगा सर, यस, प्लस डेल्टा बी बाय बी बार. गजब, फोड़ दिया, डेल्टा जेड बार इक्वल्स डेल्टा ए बाय बार प्लस डेल्टा बी बाय बी बार, शानदार, गजब. डेल्टा जेड बाय जेड बार इक्वल्स डेल्टा ई बाय बार प्लस डेल्टा बी बार बी बार. ठीक है, चमका सबको, यस सर, यस सर, अब तो और फोड़ देते हैं, अभी देखो फोड़ ना खत्म नहीं हुआ, अभी इसको और फोड़ेंगे, राइट. सो वी गेट डेल्टा जेड बाय जेड बार इक्वल्स डेल्टा ई बाय बार प्लस डेल्टा बी बाय बी बार, अच्छी बात है. तो व्हाट इज डेल्टा जेड बाय जेड बार, ये क्या है, डेल्टा जेड बाय जेड बार क्या है, रिलेटिव एरर है सर, यस, रिलेटिव एरर ऑफ जेड, यस, रिलेटिव एरर इन जेड. तो रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल्स डेल्टा ए बाय ए बार क्या है, रिलेटिव एरर इन, रिलेटिव एरर इन ए प्लस डेल्टा बी बाय बी बार क्या है, रिलेटिव एरर इन बी. शाबाश, गजब. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपना क्या आया था कि एब्सोल्यूट एरर गेट्स एडेड अप, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में है तो एब्सोल्यूट एरर गेट्स एडेड अप, एब्सोल्यूट एरर इन जेड इक्वल्स एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी, चाहे एडिशन में सब्ट्रैक्शन हो, डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी,
यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं हो रहा है, रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है. रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी. डेल्टा जेड बाय जेड बार इक्वल जेड आई बाय बार प्लस डेल्टा बी. यहीं पे अभी एलएचएस आरएचएस में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश 100 से मल्टीप्लाई कर दो. एलएचएस क्या हो गया, डेल्टा जेड बाय जेड बार इनटू 100. आरएचएस क्या हो गया, डेल्टा ए बाय ए बार इनटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी बार इनटू 100. गधा मेरे को बताइए व्हाट इज दिस परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल्स व्हाट इज दिस परसेंटेज एरर इन ए परसेंटेज एरर इन ए परसेंटेज एरर इन बी प्लस व्हाट इज दिस परसेंटेज एरर इन बी. तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब भी दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनका एब्सोल्यूट एरर कैसे रहता है, राइट? डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है. बट जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर कैसे ऐड होता है. रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल्स परसेंटेज इन ए प्लस परसेंटेज इन बी. रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, या फिर परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी. एक ही बात, रिलेटिव एरर ऐड कर दो या परसेंटेज एरर ऐड कर दो. डायरेक्टली अगर मेरे को रिलेटिव एरर गिवन है ए और बी का, तो मैं डायरेक्टली जेड का परसेंटेज एरर निकाल सकता हूँ ऐड करके. या ए और बी का डायरेक्टली परसेंटेज एरर गिवन है तो डायरेक्टली जेड का परसेंटेज एरर निकाल सकता हूँ दोनों को ऐड करके. ठीक है, मोस्ट चीज निकली है कि नहीं, कि भाई वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव या परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगा. मोस्ट चीज निकली है कि नहीं, मोस्ट चीज. यस सर, यस सर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के तो दांत तोड़ दिए अपन ने, है कि नहीं, दांत तोड़ दिए इसके. ठीक है, बेचारे का रोना निकल आया जो पहले ऐसे उछल उछल के हंस रहा था, वो अपने सामने बिल्कुल नहीं टिकाए और उसके दांत तोड़ दिए. ठीक है, सुजनियां तो बोल रहा मेरे को अभी चैन नहीं मिला है. ठीक है, अभी मेरे को चैन नहीं मिला है, अभी मैं डिविजन के भी दांत तोड़ूंगा. जब तक मैं डिवीजन के दांत नहीं तोड़ूंगा, जब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा, ऐसा बोल रहा हूँ. तो चलो भाई तोड़ देते हैं, देरी किस बात की, मारपीट में देरी तो करनी ही नहीं. स्वामी बोल रहे हैं मारपीट में किस बात की देरी, मारपीट में किस बात की देरी, मारपीट में तो मैं आगे हूं हमेशा. क्यों स्वामी, छोटे भाई को पीटती है कि नहीं पीटती? जैसे छोटे भाई को पीटती है वैसे सवालों को भी पीट देना. ठीक है, मारपीट में शर्म नहीं आनी चाहिए, मारपीट कर दो. ठीक है, मैं भी शर्माऊंगा नहीं मारपीट में, बता रहा हूँ मैं पहले ही तुम्हें. ठीक है, अगर तुम में से कुछ गड़बड़ करते हुए आएगा पीट पार देता हूँ मैं, शर्माऊंगा नहीं. ठीक है, याद रखना. ठीक है, ओके, डिविजन. ऑल राइट, चलो भैया डिविजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन में तो आ गया डिविजन. तो अभी ये जेड इक्वल ए बाई बी, जेड इक्वल ए बाई बी डिवाइड कर रहे हैं दो क्वांटिटीज को, जैसे मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वैसा. राइट, फोर्स इक्वल प्रेशर, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, डिवीजन. राइट, उस तरह की चीज है. वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिवीजन, उस तरह की चीज. ओके, ऑलराइट, सबसे पहले तो मेरे को मीन वैल्यू बताओ. मीन वैल्यू बार इज इक्वल टू ए बार अपॉन बी बार, ए बार अपॉन बी बार, उसमें तो कुछ करना ही है. सो ऑब्वियसली मीन वैल्यू ऑलवेज फॉलो द सेम एग्जैक्ट रिलेशन. तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीन वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड सबट्रैक्ट कर रहे हो तो मीन वैल्यू ऐड या सबट्रैक्ट होगा, डिवाइड कर रहे हो तो mean value भी add ये divide होगा. तो z bar equals a by d, उसमें तो कुछ करने का नहीं. But what about error? अभी इसमें मैं error कैसे निकालूंगा? Okay, तो division. तो अभी बताइए multiplication और division में कुछ फर्क है क्या? हैं? Multiplication और division में फर्क है, एक ही चीज है. ये सवाल मैंने तुमसे पहले भी पूछा था शायद. Multiplication division में कुछ फर्क है, एक ही चीज है. फर्क है सर. क्या फर्क है? Yes. सर दोनों एक दूसरे के इनवर्स है. और खतरनाक शब्दों का प्रयोग कर दिया इसने तो. ठीक है, ताकि लगे कि मेरे को ज्यादा होता है. ऋषिकेश, एक दूसरे के इनवर्स है का मतलब क्या हुआ? अगर डराने की कोशिश मत कर, हमको बोल दे, बोल दे ऋषिकेश, आप सो जवाब दे दे ऋषिकेश. हो गया क्या? एक तो वीडियो के नहीं चला रखा तूने, हैं?
बिस्तर में मस्त सो रहा है, बाकी लोगों को दिख नहीं रहा है, वीडियो चला वीडियो चला अपना, मस्त कैसे पड़ा देखो बिस्तर पे, मेरे को तो दिख रहा है बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी चला वीडियो ऋषिकेश मस्त पड़ा है सर, हेडफोन लगा के ऋषिकेश हेडफोन लगा के मस्त पड़ा है जैसे कोई गाने सुन रहा, चला चला वीडियो चला, शर्म क्यों आ रही है, और किसने वीडियो नहीं चलाया उनका मैं देखता हूँ सर, नहा धो के टेबल पे बैठा हूँ मैं, नहीं सोया हूँ, नहा धो के टेबल पे बैठा, देखो अभी वीडियो चला ना तो शर्म क्यों नहीं आ रही है फिर वीडियो चवन करने में, हैं वैसे नहा धो के नहीं भी करेगा तो नहा धो नहीं भी हो तो अभी ऐसे नहीं बुरा मान जाएंगे हम, ठीक है अब तो बुरा मान जाए तो बात अलग है, ठीक है पर मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है तो चलो कोई बात नहीं, हाँ तो मल्टीप्लिकेशन डिविजन में कोई फर्क नहीं है, अभी जेड इक्वल्स ए बाय बी, इसको मैं जेड इक्वल्स ए इंटू वन बाय बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जेड ए बाय बी में जेड इक्वल्स ए बाय बी को जेड ये क्या बोलते हैं ए इंटू वन बाय बी में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकते हैं ना, इतना सरप्राइज क्या हो रहे हो, निश्चित चौंक क्या रहे हैं, निश्चित हो रहे हो, वाह ऐसा भी हो सकता था ये तो कभी सोचा ही नहीं, इसमें चौंक क्या रहा है निश्चित, ठीक है तो जेड इक्वल ए बाय बी जेड इक्वल ए इंटू वन बाय बी, सो इट इज सेम मल्टीप्लीकेशन, तो जैसे वहां पे ए इंटू बी था वैसे यहाँ पे ए इंटू वन बाय बी है, तो बस बी की जगह वन बाय बी हो गया, नाउ डज दिस वन प्ले अ रोल, डज दिस वन प्ले अ रोल इन एरर, कुछ एरर आएगा क्या, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव एरर, मैं रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर की बात कर रहा हूँ, तो विल देयर बी अ एरर इन, विल देयर बी एनी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन वन, वन में कोई एरर है क्या, वन में कोई एरर है क्या, नहीं भाई वन इज जस्ट अ नंबर, सो देयर इज नो एरर इन वन, सो वन डज नॉट प्ले अ रोल व्हेन यू आर राइटिंग अ रिलेटिव एरर्स, राइट, वन डज नॉट प्ले एनी रोल व्हेन यू आर राइटिंग रिलेटिव एरर्स, राइट, तो वन का तो कोई रोल नहीं है, तो मैं जेड को ए इंटू वन बाय बी कर रहा हूँ, राइट, तो वन में कोई एरर नहीं है, ठीक है, सो व्हाट कैन आई राइट, इट इज जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड वन बाय बी वेयर वन हैज नो एरर, राइट, सो सिंस इट इज जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड वन बाय बी वेयर वन हैज नो एरर, कैन आई राइट द सेम थिंग, वन का तो कोई रोल नहीं है, तो जो यहाँ पे था डेल्टा जेड बाय जेड बार इक्वल्स डेल्टा ए बाय ए बार प्लस डेल्टा बी बाय बी सेम चीज, राइट, क्योंकि वन तो कुछ कर नहीं रहा है, तो इट इज जस्ट अगेन अ मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन के मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं कि डेल्टा जेड बाय जेड बार इज डेल्टा ए बाय बार प्लस डेल्टा बी बाय बी, तो यहां पे भी वी गेट द सेम थिंग, डेल्टा जेड बाय जेड बार इक्वल्स डेल्टा ए बाय बार प्लस डेल्टा बी बाय बी, बिकॉज इट इज द सेम थिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, डिविजन इज सेम एज मल्टीप्लीकेशन, डेल्टा जेड बाय जेड बार सेम चीज, जैसे वहां पे भी ए और बी का रिलेटिव एरर आ रहा था, यहां पे भी ए और बी का रिलेटिव एरर एज बी होगा, डेल्टा जेड बाय जेड बार इक्वल डेल्टा बाय बार प्लस डेल्टा बी बाय बार, ठीक है, यस सर, इज दिस क्लियर, चमक रहा है कि नहीं, बोलो समझाओगे सर से यहां से, नहीं देख मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, वी आर जस्ट डूइंग मल्टीप्लिकेशन, राइट, पहली बात तो डिविजन को मल्टीप्लिकेशन से अलग समझना छोड़ दो, राइट, so we are just doing multiplication, we are not doing anything else, so बस multiply कर रहे हैं और a को 1 by b से multiply कर रहे हैं, a को बस 1 by b से multiply कर रहे हैं, so it is just a multiply by 1 by b, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि delta z by z bar equals delta a by a bar plus delta 1 by 1 plus delta b by b bar, है ना, ऐसे लिखूंगा मैं, राइट, क्योंकि कुछ फर्क तो है नहीं, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग ए विद 1 बाय बी, सो डेल्टा ए बाय बार प्लस डेल्टा 1 बाय 1 प्लस डेल्टा बी बाय बी बार, नाउ व्हाट इज डेल्टा ऑफ 1 बाय 1, इज देयर एनी एरर इन 1, क्या 1 में कोई एरर है, 1 तो नंबर है, 1 में कोई एरर है क्या, नो देयर इज नो एरर इन 1, सिंस देयर इज नो एरर इन 1 तो डेल्टा ऑफ 1 बिकम्स 0, 1 तो नंबर है उसमें कोई एरर थोड़ी है, वो कोई मेजरमेंट थोड़ी है, राइट, दैट इज कमिंग फ्रॉम द फार्मूला, राइट, तो उसमें कोई एरर नहीं, सो वी गेट द सेम थिंग दैट वन प्लेज नो रोल, डेल्टा ए बाय बार प्लस डेल्टा बी बाय बी बार, राइट, सिंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर सर वी हैव टू कंसीडर 1 बाय बी एज अ सिंगल एंटिटी, नो मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हां यस 1 बाय बी, वो तो मैं ऐसे में समझाने के लिए बोल दिया, ऐसे अलग,
राइट. सो 1 बाय बी को तुम वही ए को 1 बाय बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज द सेम थिंग राइट. ए को 1 बाय बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही चीज मैं पहले बोल रहा था राइट. पर अगर नहीं समझ में आया तो यहां से देखो राइट. तो ए और 1 बाय बी को मल्टीप्लाई करो, ए और 1 बाय बी को मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा ए बाई बार प्लस डेल्टा बी बाई बार, रिलेटिव एरियन ए एंड रिलेटिव एरियन बी. अगर तुम्हें वो चीज नहीं चमक रही है तब मैंने ये बताया कि ए है, वन है और बी है, तीन चीजें ए है, वन है और बी है राइट, विच आर इन मल्टीप्लीकेशन राइट. सो ए का एरर, बी का एरर और वन का एरर, एंड वन का एरर बिकम जीरो. सिंस वन का एरर बिकम जीरो सो इट्स जस्ट ए का रिलेटिव एरर एंड बी का रिलेटिव एरर, सो डेल्टा ए बाई बार प्लस डेल्टा बी का बी. ठीक है सर, वो अप्लाई करने के लिए वी नीड टू फाइंड डेल्टा जेड नो फर्स्ट. नहीं, डेल्टा जेड इसी फॉर्मूले से निकालेंगे क्या अप्लाई करने के लिए, डेल्टा जेड इसी फॉर्मूले से निकालेंगे. देखो वी नो ए बार, वी नो बी बार, वी नो डेल्टा ए, वी नो डेल्टा बी, ये सारी चीजें पता है. क्या नहीं पता है, जेड बार और डेल्टा जेड. पहले मैं इस फॉर्मूले से जेड बार निकालूंगा, ए बार मेरे को पता है, बी बार मेरे को पता है, तो पहले मैं जेड बार निकालूंगा. एक बार मेरा जेड बार आ गया, अभी मेरे को इस फॉर्मूले में डेल्टा ए पता है, डेल्टा बी पता है, ए बार पता है, बी बार पता है, और डेल्टा जेड मैंने यहां से निकाल लिया, तो फिर मैं यहां से डेल्टा जेड निकालूंगा. तो डेल्टा जेड निकालने के लिए फॉर्मूला है, डेल्टा जेड ही तो निकालना है, बाकी सारी चीजें पता है. डेल्टा जेड निकालने के लिए फॉर्मूला है. So whether it is multiplication or whether it is division, the relative error or the percentage error gets added up. ठीक है चमका? Yes sir. अभी इसका मैं mathematics तुम्हें नहीं करा रहा हूँ क्योंकि it involves something called binomial approximation. अब ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग करूँगा, right? तो अभी मैंने simple भाषा में तुम्हें समझा दिया, पर इसका derivation actually मैं करा सकता हूँ, but that involves binomial approximation. तो उसके लिए पहले binomial expansion बताना चाहिए, ठीक है? वैसे ऐसे मैं शब्दों का प्रयोग करूंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें लगे काफी खतरनाक चीज है, पर होता कुछ नहीं है, होता ऐसे फालतू चीज है, ठीक है? खतरनाक चीज पढ़ता ही नहीं, पर नाम ऐसा होता है राइट. बट एनीवे राइट, सो सिंपल चीज है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर नॉट सेपरेट थिंग्स, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर नॉट टू सेपरेट ऑपरेटर्स, दे आर सेम थिंग्स, दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. तो ए इनटू 1 बाय बी किया, 1 का कोई रोल नहीं है, तो डेल्टा ए बाय प्लस डेल्टा बी. सो वेदर इट इज मल्टीप्लिकेशन या वेदर इट इज डिवीजन, व्हाट आर वी सीइंग, दैट द रिलेटिव एरर, वहां पे अपन ने क्या देखा था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या देखा था, कहां गया वो, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड सब्ट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर जो होता है फाइनल क्वांटिटी में इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी राइट. इंडिविजुअल क्वांटिटीज का एब्सोल्यूट एरर ऐड करोगे, चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो रिजल्ट जो है फाइनल उसका एब्सोल्यूट एरर आएगा. यहां पे एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, रिलेटिव या परसेंटेज. डिविजन में भी सेम चीज है, इफ यू मल्टीप्लाई विद 100 बोथ साइड तो परसेंटेज एरर आ जाएगा ना. इंडिविजुअल का परसेंटेज पता है, एडअप करूंगा तो फाइनल रिजल्ट जो है टोटल उसका मेरा परसेंटेज एरर आएगा. वहां पे रिलेटिव, वहां पे एब्सोल्यूट एरर वाज गेटिंग एडेड अप, यहां पे रिलेटिव या परसेंटेज एरर getting added up, right? And the same thing is true if we have more than two quantities. ऐसा नहीं है कि भैया दो में ही होना चाहिए. If z equals abc, if z equals abc, क्या लिखूंगा मैं? Delta z by z bar, क्या होगा? Relative error. Delta a upon a bar plus delta b upon b bar plus delta c upon c bar. Yes. तो ऐसे नहीं कि दो के लिए form, दो के लिए बताया सर ने तो दुर्घटना मार लूंगा बस दो के लिए. ठीक है? ऐसा नहीं करना है. ठीक है, दो तीनों चारों बातें एक ही है. यू कैन निगलेक्ट ऑल दीज टर्म्स, यू कैन डिराइव, तो वो ऐसा ही आएगा राइट. सो तीन भी हो तो अगेन रिलेटिव एरर के साइड अप, तीनों चारों दस हो पंद्रह हो, रिलेटिव एरर जेड इज रिलेटिव एरर ए प्लस बी प्लस सी, डेटा बाय बार प्लस डेटा बी बाय बार प्लस डेटा सी बाय सी राइट. एंड जेड बार क्या लिखेंगे, वो तो वही है ए बार बी बार सी बार राइट. रिलेटिव एरर तो वही फॉर्मूला, ये मीन वैल्यू तो वही यूज करता है, वही जो फॉर्मूला है वही मीन वैल्यू के लिए भी होगा. Right. If z equals ab by c, yeah, z equals a by bc, yes, आ गया. z equals a by bc, तो delta z by z bar क्या होगा? Delta a upon a bar plus delta b upon b bar plus delta c upon c bar. Yes, add ही होगा, subtract मत कर देना. Relative error या percentage error always gets added up, चाहे multiplication है चाहे division. ये मत सोचना कि b नीचे है c नीचे है तो उसका नेगेटिव पावर आ जाएगा, नेगेटिव पावर आज है तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे. नहीं, एरर ऑलवेज गेट्स एडेड अप राइट, एरर ऑलवेज गेट्स
added up. So delta z by z bar is delta a by bar plus delta b by bar plus delta c by c bar. We can write that out. And z bar kya hoga? A bar, B bar, C bar. A bar divide upon B bar, C bar. जो फॉर्मूला है फॉर्मूले में A को B C से डिवाइड कर रहे हो तो मीन वैल्यू में भी A को B C से डिवाइड करेंगे ना सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन वैल्यू तो हमेशा वही जो फॉर्मूला की तरह वही मीन वैल्यू को भी फॉर्मूला है बट एरर के लिए अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो हमेशा एब्सोल्यूट एरर ऐड अप होता है अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो हमेशा रिलेटिव एरर ऐड अप होता है उतना कभी नहीं होता ठीक है तो यहाँ पे भी रिजल्ट लिख देते हैं व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज लिखो भाई जनरल रिजल्ट व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन क्या होता है द रिलेटिव एरर या percentage error in the final result the relative error or percentage error in the final result is the sum of the relative error or percentage error in the individual quantities of the individual quantities ओके तो जो भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो भैया क्या करेंगे रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट जो होगा दैट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी या परसेंटेज एरर इन द इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेज राइट ऐसे नहीं कि एक तरफ रिलेटिव ले लिया एक तरफ परसेंटेज ले लिया कि रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी ऐसे मत कर देना राइट अगर रिलेटिव एरर निकाल रहे हो जेड का तो रिलेटिव एरर को ही ऐड करो अगर परसेंटेज एरर निकाल रहे हो जेड का तो परसेंटेज एरर को ही ऐड करो राइट तो जो भी पता है उस हिसाब से निकाल लो रिलेटिव एरर इन जेड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स परसेंटेज एरर इन जेड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल परसेंटेज एरर दिस इज व्हाट हैपेंस इन मल्टीप्लिकेशन चमका गया बहुत बहुत चमका गया यस सर यस सर यस सर यस बाप रे गजब शानदार प्रदर्शन फोड़ दिया है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रोना निकल गया है भाई दांत तोड़ दिए हैं इसके हाथ पैर भी तोड़ दिए हैं रोना निकाल दिया है ठीक है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी दूर चढ़ा दी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी दूर चढ़ा दी राइट कोई नहीं टिक रहा है अपने सामने पर एक चीज अभी बची है जो काफी शो ऑफ कर रहा है क्या चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया एक्सपोनेंट तो नाउ वी हैव जनरल एक्सपोनेंट जनरल एक्सपोनेंट कोई भी जनरल एक्सपोनेंट आ गया ये बहुत उछल रहा है ये बोल रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो बच्चे थे मुझे पीठ पाट के बताओ चलो भाई पीठ में बांटने में तो अपन पीछे रहते नहीं है इसको भी पीट देते हैं ठीक है ओके हाँ भाई कैसे पीटेंगे इसको तो इसको पीटने के लिए पहले तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल वन व्हाट वी मीन बाय जनरल एक्सपोनेंट तो देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अपने समझ लिया है कि रिलेटिव एरर ऐड होता है इसको यूज करके जो इधर पढ़ा उसको यूज करके कुछ एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल लेके चमकाते हैं मान लो मैंने एग्जांपल लिया पहला z equals a square z equals a square z equals a by 2 ऐसा है ना यानी कि जैसे एरिया ऑफ अ स्क्वायर में ही आ जाएगा ठीक है l square या एरिया ऑफ अ सर्कल पाई r square ठीक है z equals a square तो अभी जो मेरे को पहले से पता है जो अभी तक अपन ने पढ़ा राइट उसको यूज करके मेरे को बताओ सोच के कि z इक्वल्स a स्क्वायर है तो मैं डेल्टा z कैसे निकालूंगा सर a स्क्वायर को a इनटू a लिख सकते हैं a इनटू ab लिख सकते हैं सर यस z इक्वल्स a स्क्वायर यस तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इनटू a इनटू a लिख सकता हूं बेशर्मी से मस्त और a इनटू a तो मल्टीप्लिकेशन हो गया ये तो अभी और मल्टीप्लिकेशन का तुमको करना आता ही है भाई तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे क्या पता है रिलेटिव एरर के साथ ऐड अप तो जब जेड इक्वल ए प्लस जेड इक्वल ए इनटू बी था तो क्या हो गया था डेल्टा जेड बाय जेड बार इक्वल डेल्टा ए बाय बार प्लस डेल्टा बी बाय बार तो यहां पे क्या है जेड इक्वल ए इनटू ए सो बी की जगह बस ए आ गया ए इनटू बी की जगह ए इनटू ए आ गया तो क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर के साथ ऐड अप तो डेल्टा जेड बाय जेड बार इक्वल क्या होगा डेल्टा ए बाय बार प्लस क्या होगा फिर से डेल्टा ए बाय बार
क्योंकि क्योंकि अभी 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 ये दो बार आ गया ना, बी की जगह बस ए आ गया, तो यहाँ पे डेल्टा ए बाई बार और वहां पे बी होता है, तो डेल्टा बी बाई बी बार होता है, बी की जगह बस ए है, तो डेल्टा बी बाई बी बार की जगह फिर से क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बाई बार। तो रिलेटिव वेरिएंस जेड इक्वल्स रिलेटिव वेरिएंस ए प्लस रिलेटिव वेरिएंस बी, तो रिलेटिव वेरिएंस जेड इक्वल्स रिलेटिव वेरिएंस ए प्लस रिलेटिव वेरिएंस बी, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो ए के बराबर ही, राइट, बी जो है वो ए के बराबर ही, क्योंकि बी ए के बराबर ही है, तो भैया रिलेटिव वेरिएंस बी इक्वल्स रिलेटिव वेरिएंस ए, राइट, तो डेल्टा ए बाई बार प्लस डेल्टा ए बाई बार, राइट। तो क्या हो गया भैया, डेल्टा जेड बाई जेड बार टू इंटू डेल्टा ए बाई ए बार, डेल्टा ए बार, काफी शानदार, ठीक है, ये चमका सबको, यस सर, यस सर, ये भी जैसे मैंने चमकाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, तो जेड जेड को जब मैंने ए स्क्वायर लिया तो डेल्टा जेड बाई जेड बार आ गया टू टाइम्स डेल्टा ए बाई बार, काफी अच्छा प्रदर्शन। अभी एक और ना एग्जाम्पल ले लेता, जेड इक्वल्स ए क्यूब, जेड इक्वल्स ए क्यूब, अभी मैं इसको कर सकता हूँ क्या, यस सर, ए इंटू ए, यस सर, हाँ भाई फिर से ए क्यूब को क्या लिख देंगे, ए इंटू ए इंटू ए, कैसी चीजें कर रहे हैं बताओ यार, मतलब हंसी आ रही है मेरे को तो, ठीक है, कैसी कैसी चीजें कर रहे हैं बताओ, ठीक है, ओके, सो ए इंटू ए इंटू ए, तो फिर से क्या करेंगे, रिलेटिव एड हो जाएगा, तो डेल्टा जेड बाय जेड बार 3 into delta a by 3 into delta a by a bar, इसका relative error delta a by a bar, इसका relative error फिर से delta a by a bar, तीनों बार a ही है, इसका relative error फिर से delta a by a bar, it's like this thing 3 into delta a by a bar, yes, बात बढ़ाया, it's like this thing but b and c both are a, तो delta a by a bar plus delta a by a bar plus delta a by a bar, क्या हो गया 3 into delta a by a bar, काफी अच्छा प्रदर्शन, तो क्या देखा अपन ने, अभी जब भी पावर है कोई, जब भी कोई एक्सपोनेंट है, जब भी कोई पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, z इक्वल्स ए स्क्वायर था, a का पावर 2 था, तो वो 2 का पावर बाहर आ गया, 2 डेल्टा a बाय a हो गया, जब भी a का पावर 3 था, राइट, तो वो 3 बाहर आ गया, 3 डेल्टा a बाय a हो गया, राइट, ऐसा हो गया, ठीक है, तो पावर से मल्टीप्लाई हो गया, जो भी पावर था रिलेटिव वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अभी एक और एग्जांपल ले लेते, एक और ये छापा गया तुम लोगों ने, यस सर, यस सर, गुड, ऑसम, काफी अच्छा छाप रहे हो, एक और दो और एग्जांपल ले लेता हूं, z इक्वल्स 1 बाय a स्क्वायर या 8 टू द पावर माइनस 2, अभी z इक्वल्स 8 टू द पावर 2 नहीं, 8 टू द पावर माइनस 2, अब क्या करेंगे, डिविजन का भी लगा सकते हो, 1 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाई, अभी अपने बताया चाहे मल्टीप्लीकेशन हो या डिविजन हो क्या होता है, इट इज जस्ट रिलेटिव एरर के साथ डेल्टा ए अपॉन ए बार, तो डेल्टा जेड बाई जेड बार Equals, अभी 1 का एरर को लिखना है तो डेल्टा 1 बाय 1 बार वो 0 हो जाएगा, फिर डेल्टा ए बाय ए बार प्लस अगेन 1 का एरर तो 0 है, डेल्टा 1 बाय 1 बार विल बी 0 प्लस अगेन डेल्टा ए बाय ए बार, यही है ना, डिवीजन में भी अपने को बताया आइडिया होता है, यस सर, तो चाहे 1 डिवाइड बाय ए था, 1 का तो कोई एरर नहीं है, डेल्टा 1 बाय 1 बार इज 0 प्लस डेल्टा ए बाय बार, सिमिलरली दिस इज ए बाय बी, दिस इज लाइक ए बाय बी, तो a by b में क्या होता है, a by delta a by b bar plus delta b by b bar, so delta 1 by 1 bar plus delta a by bar, delta 1 by 1 bar is 0, delta a by bar आ गया, यहाँ पे delta 1 by 1 bar is 0, delta a by bar आ गया, so again delta z bar क्या हुआ, 2 times delta a by 2 into delta a by bar, यानी कि जब power plus 2 था, तब भी plus 2 ही था, power plus 2 था तो भी प्लस टू आया, डेल्टा जेड बाय जेड बार इज 2 टाइम डेल्टा ए बाय, जब पावर माइनस 2 है तब ऐसे नहीं कि माइनस 2 डेल्टा ए बाय बार हो गया, भी प्लस 2 आया, अब भी प्लस 2 ही आया, ये एरर ऑलवेज एड्स अप, राइट, एरर ऑलवेज एड्स अप, तो एरर में कभी नेगेटिव नहीं आता, राइट, तो डेल्टा जेड बाय जेड बार इज तब भी प्लस 2 डेल्टा ए बाय बार। एक और आखिरी एग्जांपल ले लो, z इक्वल्स 8 टू द पावर माइनस 3, तो क्या लिखेंगे, 1 by a into 1 by a into 1 by 1 upon a into 1 upon a into 1 upon a. Shabash! Shabash! Abhi fir se kya rakhenge? 1 mein to koi error nahi.
डेल्टा जेड बार फिर से क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई बार प्लस डेल्टा ए बाई बार प्लस डेल्टा ए बाई बार, यही है थ्री डेल्टा ए बाई बार। तो थ्री डेल्टा ए बाई बार, इवन दो पावर वाज नेगेटिव बट यहां पे एरर में नेगेटिव नहीं आया, एरर इज स्टिल पॉजिटिव। डेल्टा जेड बाई जेड बार इज थ्री डेल्टा ए बाई। तो जब जेड इक्वल एट बार टू है, टू डेल्टा ए बाई, जेड इक्वल एट बार थ्री है तो वो पावर से मल्टीप्लाई हो गया, अगेन थ्री इन डेल्टा ए बाई। जब पावर माइनस टू था तो पावर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, टू से ही हुआ है। ऐसा नहीं सोचा हमेशा पावर से मल्टीप्लाई हो जाता भाई, ठीक है। तो जब पावर माइनस टू था माइनस टू डेल्टा ए बाय नहीं आया, तब भी क्या आया प्लस टू डेल्टा ए बाय, राइट। जब पावर माइनस थ्री था तब भी माइनस थ्री डेल्टा ए बाय नहीं आया, क्या है प्लस थ्री डेल्टा ए, राइट, ठीक है। तो पावर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा डायरेक्टली, किसी और चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है जो अभी एवन देखेंगे। पर ये एग्जाम्पल सबको समझ गया? यस सर, यस सर। अभी अपन जनरल करते हैं, अगर जेड इक्वल्स ए टू द पावर एन, n can be anything, n can be 0, 1, 2, 3, 10, minus 3, minus 7, कुछ भी हो सकता है positive negative, तो क्या आएगा? Can I say delta z by z bar equals n into delta e by bar, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Mod of n. नहीं बोल सकते ऐसा, because जब n positive है तब तो ऐसा आ रहा है, example देखो ना आपने अभी तो किया एग्जाम्पल में, जब पावर पॉजिटिव है, जब एन पॉजिटिव है, जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तब तो वो ही आ जा रहा है, टू का टू आ जा रहा है, थ्री का थ्री आ जा रहा है। बच्चा पावर नेगेटिव है तो माइनस टू थोड़ी आ गया, माइनस टू का टू आया। जब पावर माइनस थ्री है तो माइनस थ्री का माइनस थ्री मॉड ऑफ एन आएगा सर। तो क्या आ रहा है, मॉड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो दिस इज द करेक्ट answer ki delta z by z bar will be mod of n delta e by bar. abhi dekho sara explain ho raha hai, to agar n positive hai to waisa ka waisa aa jayega 2 delta e by 3 delta e by 10 delta e by, agar n negative hai minus 2 minus 3 to mod of minus 2 yani ki 2 delta e by, agar n minus 3 hai to mod of minus 3 which is 3 delta e by. so in general apna kya aa gaya, delta z by z bar jo hoga is mod of n delta e by bar. ये चमका गया सबको? यस सर, यस सर, यस सर। भूलना नहीं है, डंडे भूलने नहीं है, मॉड बहुत जरूरी है। अभी देखो, दिस इज, ये तो केवल एक था, एक फिजिकल क्वांटिटी था। जरूरी नहीं है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, वो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर सकता है, राइट। सो इट कैन बी लाइक दिस, अभी ध्यान से देखना, इट कैन बी लाइक दिस, जेड इक्वल्स ए टू द पावर बी, ए टू द पावर पी, some exponent, b some exponent, positive, negative, कुछ भी हो सकता है, b to the power q divided by c to the power r. now a, b, c can be anything, p, q, r can be anything, positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, zero भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो केवल a पे depend कर रहा था, पर अगर मेरा ऐसा कुछ है जो बहुत सारी quantities पे depend कर रहा है, अभी तीन है, a, b, c, a, b, c are quantities and p, q, r are exponents, numbers. तो तीन पे डिपेंड कर रहा है, तीन से ज्यादा भी कर सकता है, राइट। जैसे मैंने वहां पे बताया था, डेंसिटी ऑफ अ क्यूबॉइड, मास डिवाइडेड बाय एल इनटू बी इनटू एच, या डेंसिटी ऑफ अ सिलेंडर, मास डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर एल, तो इस तरह का आ रहा है ना। तो ए टू द पावर बी, बी टू द पावर क्यू, सी टू द पावर आर, इस तरह का कोई जनरल है। इसमें मैं एरर कैसे निकालूंगा? अब देखो, ये जो तीन है इनको मैं अलग चीजें कंसिडर कर सकता हूं, है ना, इनको मैं अलग मान सकता हूं। यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अभी एड बार पी, एड बार पी कुछ और मान लो, इनटू बी रेस टू क्यू इनटू 1 अपॉन सी रेस टू आर, हां इनटू 1 अपॉन सी बार आर, ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना, चमक रहा सबको? यस सर। इसको मैंने तीन अलग अलग मान लिया, एड बार बी को पी को अलग मान लिया, बी बार क्यू को अलग मान लिया, सी बार लिया। तो मैं इसका अलग से लिखूंगा, इसका अलग से लिखूंगा, इसका अलग से लिखूंगा, राइट। सो अभी व्हाट विल बी डेल्टा जेड बाय जेड बार, अभी जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, राइट। अभी मान लो इसको मैंने कुछ अच्छा, इसको मैं मान लेता हूँ तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए, मैं बस बता रहा हूँ, फाइनली जब बताने को फॉर्मूला याद रखना होगा, मैं बस सिंप्लिसिटी के चमकाने के लिए बता रहा हूँ। इसको मैंने मान लिया यू,
ए टू द पावर थ्री को, इसको मैंने मान लिया वी, बी टू द पावर क्यू को, और वन बाय सी टू द पावर आर जो है इसको मैंने मान लिया डब्ल्यू। ठीक है चमका, तो जेड इक्वल्स यू इंटू बी इंटू डब्ल्यू है ना सर, तो जेड इक्वल्स यू इंटू बी इंटू डब्ल्यू, तो डेल्टा जेड बाय जेड बार क्या होगा, अरे डेल्टा जेड बाय जेड बार क्या होगा, डेल्टा यू बाय यू बार प्लस डेल्टा वी बाय वी बार प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बार, इसको मैंने यू मान लिया, वी मान लिया, डब्ल्यू मान लिया, तो मल्टीप्लीकेशन में है सारे। कुछ परेशानी हो रही है सबको, दिखाई दे रहा है? यस सर, नाउ इट इज विजिबल। अच्छा ओके, तो डेल्टा इज जेड बाय जेड बार, डेल्टा यू बाय वी बार प्लस डेल्टा वी बाय वी बार प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बार, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन में है। चमक रहा है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ओके बहुत बढ़िया, सो नाउ डेल्टा जेड बाय जेड बार इज डेल्टा यू बाय वी बार प्लस डेल्टा वी बाय वी बार प्लस डेल्टा वी बाय वी बार। यू क्या था? एट बार पी। यू क्या था? एट बार पी। अब अगर यू एट बार पी था तो मेरे को बताओ डेल्टा यू बाय यू क्या होगा? If U was 8th bar piece, ऊपर वाला का यूज करो। जब Z 8th bar n था, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब Z 8th bar n था, तो डेल्टा Z by Z आ गया mod n delta E by bar। तो अभी U is 8th bar P। If U is 8th bar P, what will be delta U by U bar? क्या होगा? Mod of P into delta E by A bar। Yes, it will be mod of P into delta E by bar। सबको चमक रहा है? Z अगर 8th bar n है तो mod n, mod n से मल्टीप्लाई हो जाता है into delta u by u bar। तो u अगर 8th bar p है तो delta u by u bar क्या होगा? mod p delta u by u bar। चमक रहा है सबको? वही चीज है ना, बस n की जगह p है भाई, n की जगह p है, इतना कंफ्यूज क्या हो रहे हो? तो n की जगह p है बस, तो mod of delta of this by mod of this क्या होगा? delta of this by this bar क्या होगा? mod p delta u by u bar। तो delta u by u bar जो है That is mod p delta e by bar। ये चमका सबको? बोलोगे नहीं तो देखो, v देखो, नहीं समझ में आया तो वापस बताऊंगा। देखो v was b bar q, तो v was b bar q, तो delta v by b bar क्या हो जाएगा? mod q into delta v by b bar, mod of q into delta v by b bar ना? बस n की जगह a की जगह b है, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में a की जगह b है और n की जगह q है, तो बस क्या हो जाएगा? मॉड डेल्टा डेल्टा v बार v बार क्या हो जाएगा? मॉड q डेल्टा v v बार, तो प्लस मॉड q डेल्टा v बार v बार। सिमिलरली लास्ट टर्म क्या आएगा? डेल्टा w बार w बार क्या आ जाएगा? मॉड मॉड ऑफ r इनटू डेल्टा c बाय c बार, वही चीज मॉड, बस c है यहाँ पे a की जगह और n की जगह r है, तो mod r delta c by c। This is very very important। This is the general formula, general exponent formula। Delta z by z bar is mod p delta e by bar plus mod q delta b by b bar plus mod r delta c by c bar। यानी कि रिलेटिव एरर को ऐड ही करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अपने क्या किया था? डायरेक्टली रिलेटिव एरर ऐड कर दिया था। यहाँ पे रिलेटिव एरर को ऐड ही करना है, बट पहले उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? मॉड ऑफ द एक्सपोनेंट। तो ए का रिलेटिव एरर, ए का रिलेटिव एरर इंटू ए का मॉड ऑफ द एक्सपोनेंट प्लस बी का रिलेटिव एरर इंटू बी का मॉड ऑफ द एक्सपोनेंट, सी का रिलेटिव एरर इंटू सी का मॉड ऑफ द एक्सपोनेंट, इन सब का सम विल गिव अस द टोटल रिलेटिव। तो यहाँ पे भी रिलेटिव ऐड ही होता है, बट डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है पहले पावर्स के मॉड से, जो भी पावर है उसका जो मॉडुलस है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से या मॉड से मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड अप होता है, राइट? यहीं पे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? सो यह मतलब यहाँ पे परसेंटेज एरर, आई कैन राइट दिस लाइक दिस, रिलेटिव एरर इन जेड equals mod p into relative error in a plus mod q into relative error in b
plus mod r into relative error in c, right? और दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिलेटिव एरर इन z into 100 क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन z, दोनों साइड परसेंटेज एरर इन z, परसेंटेज एरर इन z इक्वल्स क्या, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई मॉड p इनटू परसेंटेज एरर इन a, कभी कभी डायरेक्ट परसेंटेज एरर दिया होता तो डायरेक्ट ऐसे करना होता, प्लस मॉड q इनटू परसेंटेज एरर इन b प्लस मॉड r इनटू परसेंटेज एरर इन c. तो डायरेक्टली रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर ऐड नहीं हो रहा है, इट इज पहले अपने एक्सपोनेंट जो भी उस क्वांटिटी का एक्सपोनेंट है उसके मॉड से मल्टीप्लाई करो सबको, फिर आ जाओ. This is what we get. Mazedar. Right. Now we can see that multiplication or division isi ke special cases hai. Multiplication division kuch alag nahi tha. Multiplication division isi ka special case hai. Abhi is formula mein. Is formula mein ye tha apna z equals a to the power q p b to the power q c to the power r. Mere ko toh p aur q ko 1 dalo aur r ko 0 dalo. अगर P और Q को 1 डाला और R को 0 डाला तो Z क्या बन गया? A भी बन गया ना? Yes sir. Yes sir. तो P और Q को 1 डालो, R को 0 डालो. अगर तुमने P और Q को 1 डाला, R को 0 डाला तो Z equals A भी बन गया. और इस फॉर्मूले में अभी P और Q को 1 पुट करो, R को 0 पुट करो. फॉर्मूले में P और Q को 1 पुट करो, R को 0 पुट करो. तो क्या आएगा? डेल्टा Z / Z equals डेल्टा A / A plus डेल्टा B / B. है ना? मल्टीप्लिकेशन में सीखा था वही आ गया यहाँ पे, है ना? मल्टीप्लिकेशन में सीखा था जेड इक्वल्स ए बी, तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स डेल्टा ए बाई बी प्लस डेल्टा बी बाई बी. यहाँ पे भी जनरल एक्सपोनेंट फॉर्मूले में अगर पी क्यू को 1 डालो और आर को 0 डालो तो जेड इक्वल्स ए बी बन जाता है. अगर जेड इक्वल्स ए बी बन जाता है तो इस फॉर्मूले से डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी आ जाता है. ठीक है, चमत्कार तो नहीं है कहीं? चमत्कार है क्या अनुराज? अनुराज चमत्कार लग रहा है मेरे को से. तो वी गेट द सेम थिंग, वी गेट द सेम थिंग बिकॉज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ द जनरल एक्सपोनेंट रूल. सिमिलरली पी और क्यू को, पी को 1 डालो, क्यू को -1 डालो, आर को 0 डालो तो क्या आ जाएगा? P को 1 डालो, Q को -1 डालो और R को 0 डालो तो क्या वही देगा फिर? डेल्टा A बाय A बाय B डेल्टा B बाय B. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो ना पहले, Z इक्वल्स A बाय B. फॉर्मूला इक्वल्स Z इक्वल्स A बाय B आएगा ना? P को 1 डालो, Q को -1 डालो तो Z इक्वल्स A बाय B आएगा कि नहीं? यस सर. यस सर. तो Z इक्वल्स A बाय B आएगा. Z इक्वल्स A बाय B. Z इक्वल्स A बाय B इज डिवीजन. उसके लिए मेरे को पहले पता है डेल्टा Z बाय Z इज डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B होता है. और यहाँ पे से भी देखो सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर. यस मॉड पी, यस सर, डेल्टा ए बाय बी मॉड क्यू. नाउ वी हैव टू टेक मॉड क्यू. ये मत करना क्यू तो माइनस वन है, तो क्यू माइनस वन है तो माइनस डेल्टा बी बाय बी हो जाएगा. नहीं, मॉड लेना है, डोंट फॉरगेट दैट मॉड. सो मॉड वन इज वन, मॉड माइनस वन इज ऑल्सो वन, तो डेल्टा ए बाय बी प्लस डेल्टा बी बाय बी. तो मल्टीप्लिकेशन डिविजन यहाँ से भी आ जाएगा. सो कोई भी जनरल एक्सपोनेंट रूल है यहाँ से लगा के कर सकते हैं, याद रखना है मॉड लेना है. सो रिलेटिव एरर इन जेड इज ऐसे परसेंटेज एरर इन जेड ऐसे निकाल, राइट? बट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करके करना मत भूलना और मॉड जरूर लेना. ओके, तो लिख देते हैं भाई इसमें भी स्टेटमेंट कि इन अ जनरल प्रोडक्ट रिलेशन, इन अ जनरल प्रोडक्ट रिलेशन, कोई भी जनरल प्रोडक्ट टाइप रिलेशन है इस तरह का, ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू, सी टू द पावर आर. In a general product type relation, the relative error, the relative ya fir percentage error is in final answer is the sum of all the
individual sum of all the individual relative या percentage error times या multiplied times their times their absolute value times the absolute value of their respective absolute value in the mod respective value respective exponent dekh lo padh ke samajh mein aa raha hai yaar in a general prototype regression the relative ya percentage error in the final answer is the sum kiska sum karna hai of all the sum of all the individual relative error times the absolute value ya mod of their respective exponent so a ka relative error into a ka modulus of exponent b ka relative error into b ka modulus of the exponent c ka relative error into c ka modulus of the exponent in sab ko add karenge chamka chamka ke na yes sir yes sir yes bahut badhiya shabash gajab aur mean value kaise nikalunga main राइट अगर इस तरह का रिलेशन है मेरा तो मीन वैल्यू कैसे निकालूंगा इफ जेड इक्वल्स एट बार पी बी बार क्यू बाय सी बार आर है तो जेड बार क्या होगा जेड बार मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई ए बार अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय पी क्या अरे जेड बार एरर नहीं निकाल रहे जेड बार निकाल रहे बार अपॉन पी सो जेड देखो मीन वैल्यू ऑलवेज फॉलोस द सेम फार्मूला तो अगर जेड को मैं ए से पावर पी कर रहा हूं तो यहां पे भी पावर पी हो जाएगा मॉड ए का पावर पी बी को अगर मैं पावर क्यू कर रहा हूं तो यहां पे मीन वैल्यू का पावर क्यू हो जाएगा मॉड बी का पावर क्यू राइट सी का मैं पावर आर कर रहा हूं तो मॉड सी का पावर आर सॉरी मॉड बोल रहा हूँ सी बार का पावर आर तो जो एक्चुअल फॉर्मूला है मीन वैल्यू उसी फॉर्मूले से आता है मीन वैल्यू इंडिविजुअल मीन वैल्यूज इंडिविजुअल मीन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो एंड वहीं से आ जाएगा तो जेड इक्वल एट बार पी बी बार क्यू बाई सी बार आर तो जेड बार मीन वैल्यू इज एट बार पी बी बार क्यू डिवाइड बाई ए बार का पावर पी बी बार का पावर क्यू सी बार का पावर आर और ये सारे अपने को पता रहे सो द मीन वैल्यू so the mean value likh lo the mean value always follows the exact same relation as the relation of physical quantity jo physical quantity jis relation se physical quantity aa raha hai bhai usi relation se mean value bhi aayega mean value ke to mujhe kuch sochna nahi z ko a plus b to z bar ko a bar plus b bar z equals a minus b to z bar equals a minus b bar z equals a by b to z bar equals a by b bar z equals this so again is formula member us formula member mean value substitute karo so mean value always follows the exact same relation as the relation of chamka ye cheez bolo yes sir yes sir, yes, sir. gazab shandar dhamakedar four diya gaya hai bilkul मतलब धूल चटा दी है सबका रोना निकाल दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और जनरल एक्सपोनेंट रूल याद रखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिलेटिव एरर ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमेशा सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव या परसेंटेज एरर ऐड होता है जनरल प्रोडक्ट टाइप रिलेशन में भी परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर ऐड होता है बट उससे पहले एक्सपोनेंट के मॉड से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है ऐसे गजब दो दिया फोर दिया शानदार ओके ऑल राइट एक आखिरी चीज चैप्टर में आखिरी चीज उसके बाद बस सवाल बचेंगे लास्ट थिंग इन द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ एरर्स टाइप्स ऑफ एरर्स ठीक है अभी तक तो अपन ने एरर निकालना सीख लिया कैसे निकालेंगे कैलकुलेट कैसे करेंगे बहुत ही गजब फोर दिया है
पर टाइप ऑफ एरर्स, क्या क्या अलग अलग तरह की एरर होती है, राइट, कैसे आती है एरर, वो सीखेंगे टाइप ऑफ एरर। सो देखो दो तरह के मेन एरर्स होती हैं, राइट, वन इज सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है, ये ऐसे ही फालतू चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है मैं बता देता हूं, सिस्टमैटिक एरर। और दूसरा क्या होता है, रैंडम एरर। दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ एरर्स, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। कौन बताएगा इसका मतलब क्या है, क्या ये खतरनाक शब्दों से डरा रहे हैं भाई, सिस्टमैटिक रैंडम अंग्रेजी भाषा है? तो भाई बहुत ही ज्यादा सर, दूसरा वाला शायद तुक्के से मिलता है। यस, तो भाई अंग्रेजी भाषा में दिमाग का प्रयोग करने आओ, तू सीख चुका है कि भाई अंग्रेजी भाषा का जब भी आए तो दिमाग का प्रयोग नहीं कर देना गलती, बहुत लोग दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अभी दिमाग का प्रयोग, मधुरा बैठ के सोच रही, दिमाग लगा रही है क्या होगा इसका मतलब, लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक लगाना ही नहीं, अंग्रेजी भाषा है। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, तो सिस्टमैटिक एरर का मतलब वो सिस्टमैटिक तरह से आया, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, सोच समझ के, अच्छी तरह से, अच्छी तरह बाय स्टेप उसका, हाँ स्टेप बाय स्टेप उसका मेरे को पता है वो कैसा है, तो सिस्टमैटिक तरह से आया है वो, राइट, सिस्टमैटिक तरीके से एक स्ट्रेटजी से वो एरर आया है, ठीक है, उसका मेरे को कॉज पता है, किसी ना किसी कारण से वो आया है, जो उसका मेरे को कारण पता है, यही होता है सिस्टमैटिक का मतलब, सिस्टमैटिक तरह से काम किया गया है, ठीक है, तो मतलब काफी मतलब प्लान तरह से या पता है ऐसे तरीके से काम किया गया, तो सिस्टमैटिक एरर मतलब ऐसा एरर जो सिस्टमैटिक तरह से आया है, मतलब उसके बारे में मेरे को पता है। रैंडम, रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम ऐसे तुक्के में, ऐसा एरर जैसे तुक्के में आ गया, चलता फिरता ऐसे कुछ भी आ गया, पता ही नहीं लगा, ये रैंडम एरर हुआ एरर, तो ऐसा एरर जैसे एकदम रैंडमली आ गया, ऐसे मुंह उठा के चला आया, ठीक है, उसको आने किसी ने बुलाया नहीं था, ठीक है, बिन बुलाया मेहमान, ये है भैया बिन बुलाया मेहमान, ठीक है, बिन बुलाया मेहमान पता कि नहीं पता तुम्हें, जो बिना बुलाए किसी के कहीं पे भी चला जाता है, ठीक है, अरे उसका बर्थडे, चलो केक खाने मिलेगा, चलो बिना बुलाए घुस जाते हैं घर में, ठीक है, ऐसे बिना बुलाए मेहमान जो बस केक खाने निकल पड़ते हैं, कौन है ऐसा तुम्हें, कौन है भुक्कड़ जो बिना बुलाया मेहमान जो बस घुस जाता है, नहीं बुलाया गया तो भी, कौन है, है? कोई तो होगा, शर्माओ मत, कौन है भाई, अरे ऐसा तो नहीं हो सकता कि 25 लोगों में कोई भी नहीं है, कोई तो है, कौन है, ओम ओम, तू ही तो नहीं है कहीं, है ओम, तू ही लग रहा है मेरे को, सही बता ओम, सच बता, तू ही है ना वो, नहीं सर, नहीं सही बता, सही बता, अंदर से अवधूत के, सच में मैं नहीं हूँ, अवधूत के बर्थडे पे पार्टी मांगी कि नहीं मांगी तूने, हैं, केक खाने घुसा कि नहीं घुसा, सर उसका बर्थडे मुझे पता भी नहीं है कब है, अरे इतना बड़ा इल्जाम, ठीक है, नहीं नहीं तो अभी ओम की तरह मतलब भाई रैंडम एरर मतलब ऐसे ही कि बिना बुलाया मेहमान, ठीक है, बिना बुलाया मेहमान, देखो हिंदी कितनी मस्त है भाई, ठीक है, मेहमान कैसे लिखते हैं अब ये नहीं आता है, कैसे लिखते हैं मेहमान, है? कैसे लिखते हैं, कौन बात हुआ था हिंदी में, है? ऐसे सही है, इंग्लिश में लिख के छोड़ो ना सर, ठीक है ठीक है, जो भी है, तो बिना बुलाया मेहमान, ठीक है, ऐसे ही आ गया, राइट, तो देखो रैंडम एरर्स आर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम, राइट, क्योंकि वैसे तुक्का में मूड आ गया, वो किसी ने बुलाया नहीं का मूड आ गया, कोई इसका एग्जांपल देगा, इसका एग्जांपल बेकार सा मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम कुछ इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एकदम से तूफान आ गया, ठीक है, एकदम से तूफान आ गया और तूफान आने की वजह से, ठीक है, बहुत तूफान आ चुका है और तुम तूफान में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आज तो तुम सोच के बैठो तूफान आ जाए, बिजली गिर जाए, कुछ भी हो जाए, मैं करके रहूंगा, ठीक है, कठिन परिस्थितियों में भी तुम एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे हो, पर वो तूफान की वजह से एक्सपेरिमेंट इफेक्ट हो जाएगा, राइट, मान लो अभी तुम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और बाहर तूफान आ चुका है,
बिजली गिर रही है, ठीक है, तो तूफान आएंगे वैसे क्या होगा, देयर माइट बी सम वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा कि नहीं होगा तूफान आने की वजह से, होगा कि नहीं होगा भाई? यस सर, यस सर। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो सकता है तो मैं सोच रहा था 220 वोल्ट है, पर वो 220 का 230 हो जाएगा, राइट, 230 या 210 हो जाएगा, राइट, बिना बताए, राइट, सो दैट इज एन एक्सटर्नल थिंग जो मैं अपने कंट्रोल में नहीं है मेरे, या टेम्परेचर चेंज हो गया, वोल्टेज चेंज हो गया, करंट फ्लक्चुएशन आ गया, सो ये सब होते हैं बिना बुलाए मेहमान जो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, रैंडम है, कभी भी उठ के आ जाता है, ना अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही अपन इनको समझ सकते हैं, ना अपन इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ऐसे मिनिमाइज कर सकते हो क्या, ऐसे बोल सकते हो क्या, अरे तूफान ने मेरे एक्सपेरिमेंट को रोका, मैं तूफान को रोक दूंगा, हाँ ऐसा कर सकते हो क्या, ये वाली रैंडम एरर को तो मिनिमाइज कर सकते हो क्या, तूफान ही रोक दूंगा मैं, तूफान ही नहीं आने दूंगा अगली बार से, बिजली कड़कना बंद कर दूंगा, बारिश बंद कर दूंगा, ऐसा कर सकते हो क्या? नो सर, नो सर, नहीं सर। क्या पता सूचनियान कर ले अपनी सुपर पावर यूज करके, सूचनियान के हाथों में, पर नॉर्मल ह्यूमन उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो रैंडम एरर अपने कंट्रोल में नहीं है, ना अपन इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ना अपन इनको कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक एरर जो है उनका अपने को कॉज पता है, उनका अपने को कॉज पता है और उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कैन बी मिनिमाइज, राइट, तो उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, राइट, तो सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो तीन तरह की होती है, तीन तरह के सिस्टमैटिक एरर, अभी रैंडम एरर को भूल जाओ, राइट, समझ लिया क्या होता है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते अपन, तो उसको भूल जाओ, सिस्टमैटिक एरर तीन तरह की होती है, क्या तीन तरह की होती है भाई, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर, अभी नाम से पता लग जाएगा तुम्हें, अंग्रेजी भाषा दिमाग का प्रयोग मत करना, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, अभी इंस्ट्रूमेंटल की स्पेलिंग नहीं सीखी मैंने, कैसे अंग्रेजी पास हुआ मेरा बताओ, कुछ भी लिख दो, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक, ऋषिकेश से ट्यूशन ले रहा हूं मैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या है, देख के बताओ, देख के नाम से पता लग रहा है, सर जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें एरर होता है, और क्या, तो ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट में है वो हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए, यस सर, दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं अंग्रेजी सर, तो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, खत्म, तो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है, तो जो भी मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर, वोल्टमीटर, फोर्स मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस, मीटर के, उसमें ही जो एरर है, राइट, ये उसमें जो एरर है, मतलब वो मान लो फॉल्टी हो, ठीक है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बाजार से सस्ता इंस्ट्रूमेंट उठा के ले आया, ठीक है, बजार में ऐसे कोई सस्ता मिल रहा था उठा के ले आया, फॉल्टी निकला, उसका डिजाइन प्रॉपर नहीं था, उसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं था, राइट, सो ऑल दीज आर इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट, सो एरर ड्यू टू क्या, एरर ड्यू टू ओके, शानदार वापसी, मैं घूमने चला गया था, ठीक है, मैं बीच में घूमने चला गया था, अच्छा एक मिनट इसको बताऊंगा, क्या कर रहे थे एक मिनट, तुम टाइम पास नहीं किया है, क्या बातें कर रहे थे एक मिनट में, गया जब बीच में, क्यों बताओ क्या बोल रहा था बाकी लोगों को, बाकियों को कुछ ने बोला सर, निश्चित को बोला, निश्चित को बोला, क्या बोला तूने, right. वो होस्ट बन गया ना एक मिनट के लिए, अरे एक मिनट का होस्ट कहाँ गया, निश्चित एक मिनट का होस्ट बन गया तू, अच्छा काफी खुशी हो रही थी निश्चित को एक मिनट का होस्ट, ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं निश्चित, बनाएंगे तेरे को, निश्चित बोल रहा है मेरे को परमानेंटली होस्ट बना दो, ठीक ऐसा बोल रहा है, क्यों बनाया तेरे को, हैं पढ़ाना भी तेरे को पड़ेगा, सोच ले, ठीक है पढ़ाएगा निश्चित, अगला क्लास बोल, ये ऐसा तुम्हें भी एक एक करके मौका देना चाहिए, एक क्लास निश्चित पढ़ाएगा, एक क्लास अवधूत पढ़ाएगा, ठीक है ना, मजा आएगा ना, क्या बोलते हो, करें ऐसा, यस सर, मस्त चीज है, एक क्लास पूरा अवधूत पढ़ा रहा है, ठीक है, एक क्लास कोई आयुष पढ़ा रहा है, ठीक है मजा आ जाएगा, ठीक है, अनिरुद्ध पढ़ाएगा, अनिरुद्ध चमत्कार कर देगा, बैठ के क्लास में चमत्कार ही करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं करेगा, चमत्कार करेगा, मजा आ जाएगा, सूचना अपनी सुपर पावर दिखाएगा, चलो चलो टाइम पास नहीं, ओके, इंस्ट्रूमेंट एरर मतलब एरर ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन,
और कंस्ट्रक्शन क्या हो गया ये एरर ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन. तो फॉल्टी डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या खराब हो गया, जंग लग गया, ठीक है ना. तो ये सब जो है वो सब इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, राइट. और कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भी लिखना नहीं आ रहा है. एरर ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, जीरो एरर, राइट. अभी कभी कभी उसमें फ्रिक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन के बारे में अभी तुम्हें बता नहीं बैठे, हाँ ठीक है. कभी कभी उसमें इंस्ट्रूमेंट में फ्रिक्शन आ जाता है जहां पे एक्सपेक्टेड नहीं है, दैट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट. ये फ्रिक्शन आ गया और ये सब आ गया, ठीक है. तो लाइक डिसिपेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, डिसिपेशन एंड फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी डिसिपेशन होता है, पता है कि नहीं पता है. फ्रिक्शन की वजह से मेरा एनर्जी लूज होता है, पता है तुम्हें. यस हाँ, तो ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन विक्शन बाद में आएगा, बट डिसिपेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल एरर. देन जीरो एरर, जीरो एरर पता है, जीरो एरर पता है किसी को, जीरो एरर क्या होता है. अच्छा मान लो, अभी मान लो तुम किसी वेइंग मशीन, वेइंग मशीन सब लोगों ने देखा है ना भाई, वेइंग मशीन. यस सर, यस सर. तो वेइंग मशीन में फॉर एग्जांपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग में जीरो होना चाहिए, राइट. अभी तुम मान लो, मान लो कोई नहीं खड़ा है अभी, है ना, वेइंग मशीन खाली पड़ा है और वो 10 kg दिखा रहा है, मान लो, है ना, कुछ ही नहीं पड़ा है उस पे और वो 10 kg दिखा रहा है, राइट. और फाइनली जब जब कोई खड़ा हुआ उस पे, मान लो तुम जाके खड़ा खड़े हुए, तो फिर वो जाके 60 kg दिखा रहा है ना. तो तुम क्या मान लोगे, अरे इसने 60 kg दिखाया, मैं मास 60 है क्या मेरा, तुम्हारा मास, इज दैट द करेक्ट आंसर. नहीं, क्योंकि 50 है, क्यों, क्योंकि 10 तो वो पहले से दिखा रहा था, हवा कोई 10 दिखा रहा है वो, जब ऊपर कुछ नहीं है वो 0 को 10 दिखा रहा है ना. तो जब ऊपर कुछ नहीं है तभी वो 10 दिखा रहा है, तो इट इज एडिंग अप 10, वो 10 अपनी मर्जी से ऐड कर रहा है, ठीक है. बोला 0 पसंद नहीं आया, 0 कौन दिखाएगा, ठीक है, 0 दिखा के अच्छा नहीं लग रहा है, काम कर दो, 0 को भी 10 दिखाता हूं, ऐसा कर रहा है वो, ठीक है. तो 0 का अगर 10 दिखा रहा है तो 50 को 60 दिखाएगा ना. यस सर, इट इज एक्चुअली 50, राइट. सो दैट इज द एरर, दैट इज द जीरो एरर. तो जब वो 0 दिखाना चाहिए, तब अगर वो कुछ और दिखा रहा है, ठीक है, उसके मन में खोट आ गया कि भाई 0 दिखाना है पर वो कुछ और दिखा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव दिखाएगा या नेगेटिव भी दिखा सकता है, राइट. कभी कभी नेगेटिव दिखा देता है, -3 kg, कुछ नहीं पड़ा, -3 kg, वो भाई नेगेटिव मास है ना, नेगेटिव मास हो सकता है क्या, नेगेटिव मास. नो सर, नो सर, नो सर. पर वो ऐसे कर सकता है, ठीक है, ऐसे दिखाने के लिए तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, बेवकूफ नहीं बनना है. तो इंस्ट्रूमेंट को देख के बेवकूफ नहीं बनना है, इंस्ट्रूमेंट बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, पर अपने को बेवकूफ नहीं बनना है, अपने को इंस्ट्रूमेंट को दूर चढ़ा देनी है, सबको दूर चढ़ा दो, सबको पीट पाड़ दो, ठीक है. तो इंस्ट्रूमेंट जीरो एरर कभी कभी आ सकता है इंस्ट्रूमेंट में, तो जब एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में देख लेना, जीरो जब दिखाना चाहिए तो जीरो ही दिखाना चाहिए रीडिंग, अगर वो कभी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाएगा तो दैट इज द इंस्ट्रूमेंट का एरर एंड दैट इज कॉल्ड जीरो एरर. ओके, दूसरा जो होता है दैट इज एक्सपेरिमेंटल या प्रोसीजरल एरर. एक्सपेरिमेंटल या प्रोसीजरल एरर, इसका मतलब क्या है. इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर, इंस्ट्रूमेंट ही बेकार निकला, ठीक है. हाँ, एक्सपेरिमेंटल या प्रोसीजरल एरर, इसका मतलब क्या है. सो द वन नो इज कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट में एरर हो गया है, क्या है इसका मतलब. सो द वन नो इज कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट हैज मेड अ मिस्टेक. मिस्टेक कैसी, किस तरह की मिस्टेक. मिस्टेक तो बहुत तरह की, हैज फॉलोड अ रॉन्ग प्रोसीजर. हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट करने, इंस्ट्रूमेंट की कोई गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट एकदम मस्त है, इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है भाई, उसने कुछ गलती नहीं की, पर जो इंसान कर रहा था एक्सपेरिमेंट उसको प्रोसीजर अच्छे से नहीं पता था, तो उसने ढंग से कैरी आउट नहीं किया, राइट, कि भाई कुछ और कर दिया या रीडिंग ठीक से नहीं ली, ठीक है, या कुछ और कर दिया, राइट. तो एक्सपेरिमेंट में प्रोसेस जो है वो सही से नहीं किया, प्रोसीजर जो है वो सही से नहीं किया, डिड नॉट फॉलो द करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का मेथड है ना, ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसे थोड़ी जाके कुछ भी कर दोगे, ठीक है. जो मेथड था वो उसने सही से फॉलो नहीं किया. इंस्ट्रूमेंट की वो गलती नहीं, इंस्ट्रूमेंट सही है, अगर वो सही मेथड फॉलो करता तो सही आंसर होता, बट गलत आंसर क्यों आया, क्योंकि उसने मेथड जो है वो करेक्टली फॉलो नहीं किया. सो इनकरेक्ट मेथड फॉलोड इन डूइंग एक्सपेरिमेंट.
इनकरेक्ट मेथड फॉलो किया गया, ठीक है, मेथड जो है वो गलत था कुछ, राइट। तो इस तरह का भी हो सकता है भाई, इंस्ट्रूमेंट की कोई गलती नहीं है, पर जो एक्सपेरिमेंट में मेथड है उसमें गलती कर दी, तो मेथड में गलती कर दी तो भैया एरर आएगा, बढ़िया। और तीसरी और आखिरी जो है वो होता है ह्यूमन या पर्सनल एरर। ह्यूमन या पर्सनल एरर, इसका मतलब क्या है? तो नाम से पता लग रहा है, मरीज नाम से। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल या प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर में, मेथड करने में जो गलती है वो ये प्रोसीजरल एरर। ह्यूमन या पर्सनल एरर मतलब ह्यूमन की जो गलती है वो एरर, ठीक है। अब मान लो भाई मरीज एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, मरीज थोड़ी ना सही बताएगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट एकदम सही है, मेथड भी एकदम सही फॉलो किया है, पर रीडिंग जब लेनी है, ऑब्जर्वेशन जब करना है, तो रीडिंग है 20 सेंटीमीटर, पर मरीज को थोड़ी दिखता है, मरीज को दिख रहा है 50 सेंटीमीटर, है कि नहीं है? 20 सेंटीमीटर मरीज को दिख रहा है 50 सेंटीमीटर, अब उसमें इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा या उसमें एक्सपेरिमेंट का मेथड क्या करेगा? वो तो सब सही है, मरीज को दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो अगर मरीज को दिखेगा नहीं तो क्या होगा, ठीक है। तो ह्यूमन या पर्सनल एरर मतलब इंसान जो है वो मरीज है, ठीक है, और मरीज मतलब जरूरी नहीं है मरीज हो, दैट इज वन ऑप्शन कि मरीज है, राइट। दूसरा ऑप्शन है कि वो मतलब और भी कुछ हो सकता है, राइट, और भी अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे यू गेट टू नो देयर माइट बी सम अदर एरर। एंड ये जो दोनों है ये कभी कभी ओवरलैपिंग होते हैं, राइट, ये कभी कभी ओवरलैपिंग होता है, बिकॉज प्रोसीजरल एरर इज ऑल्सो ह्यूमन एरर, है ना, ठीक है, प्रोसीजर में कुछ गलती है तो वो तो ह्यूमन है ना, भगवान ने आके थोड़ी गलती कर दी वो, है जो भी ह्यूमन है कि नहीं है? Yes, sir. So in fact, procedural error or human error are not totally independent things. Procedural error भी human error ही होता है, right? But तो इसमें मरीज आ जाएगा plus अगर और भी कुछ गलतियां किया है human ने, right? जो experiment कर रहा है उसने और भी कुछ गलती किया, बाकी मरीज तो है ही, और बाकी मतलब तुम्हें देख के statement देख के पता लग जाएगा कि क्या है, right? मरीज तो है ही पर और भी कुछ हो सकता है। All right, चमका को, चमका के बोलो, चमका क्या? Yes, yes, sir. Yes, sir. All right, good. Okay, so quickly let's do questions. And दो तीन question कर लेते हैं, right? अभी let will take only 10-15 minutes, but 10-15 minutes में मैं थोड़े तो question तुम्हें करा दूँगा. ठीक है, module ले गया, जल्दी से module ले गया, जल्दी से पूर्ति दिखाएंगे, धो देंगे. Theory is finished, and that's it. Chapter में यही theory. So these are the types of errors. Random error जो कभी भी बिना mood आगे कभी भी चलाता है. सिस्टमैटिक एरर तीन टाइप की होती हैं। इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है, जीरो एरर दे रहा है, फॉल्टी डिजाइन है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंट के मेथड में कुछ गलती है तो एक्सपेरिमेंटल एरर, और अगर मरीज इंसान है, ठीक है, गड़बड़ कर रहा है तो पर्सनल एरर। तो ये याद रखना, ऐसा है बस। तो भाई मॉड्यूल उठा के ले आया क्या? आलस क्यों कर रहा है? कौन है ये अथर? ठीक है, अथर को देखो, कौन लेने जाए, 10 मीटर दूर रखा है यार। है अथर, जल्दी ले गया, ले क्या गया? हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके, सब लोग ले मॉड्यूल? यस सर। हाँ गुड, बाप बढ़िया। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन, जल्दी से कुछ क्वेश्चन करते हैं 10-15 मिनट में, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, 1.1 को तो अपन ने धूल चढ़ा दिए, 1.1 एक्सेस तो टिका ही नहीं अपने सामने, रोना निकल गया उसका, गसा फोड़ दिया। 1.2 ओपन कर रहे थे, 1.2 इन क्लास साइज, उसमें से भी आधे क्वेश्चन तो हो गए। 1.2 इन क्लास साइज, गिनती कर लो पेज नंबर की, पेज नंबर तो है ही नहीं। 1.2 इन क्लास साइज देख लो भाई, मिल गया सबको? यस सर, यस सर। जल्दी देखो, सो वी हैव डन सम क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, क्वेश्चन 3, जल्दी से क्वेश्चन 3 देखेंगे, काफी घिसा पिटा। देखो एरर के क्वेश्चन बहुत कम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, राइट। तो मैं फुर्ती से कंक्लूड करता हूँ, समराइज करता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमेशा एरर के क्वेश्चन में देखना है कि भैया क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, या है जनरल एक्सपोनेंट रूल वाला है। तीन फॉर्मूले पढ़ा है अपने, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, क्या एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है दोनों में से कुछ भी हो, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर ऐड होता है, डेल्टा जेड बाय जेड बार, डेल्टा ए बाय बार प्लस डेल्टा बी बाय बी बार प्लस डेल्टा सी बाय सी बार, ऐसे, राइट। और अगर जनरल एक्सपोनेंट रूल है तो बस एक्सपोनेंट के मॉड लेते हैं और मॉड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, डेल्टा जेड बाय जेड बार
ये सबसे इम्पोर्टेंट है. डेल्टा बी बाई मॉड पी डेल्टा ई बाई बार मॉड क्यू डेल्टा बी बाई बार मॉड आर डेल्टा सी बाई सी बार. राइट, तो पहले आइडेंटिफाई करो क्या है, एडिशन सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है या जनरल एक्सपोनेंट रूल है, और फिर उसका फॉर्मूला लगाओ. तीनों फॉर्मूला है अपने पास, तो पहले पता करो क्या है, क्वेश्चन में देखो और फिर फॉर्मूला लगाओ. और मॉड और मीन वैल्यू, मीन वैल्यू के लिए अपने पढ़ा क्या पढ़ा, इट ऑलवेज फॉलोज द एग्जैक्ट सेम रिलेशन. एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो या इस तरह का हो, इट ऑलवेज फॉलोज द एग्जैक्ट सेम रिलेशन जो क्वांटिटी का रिलेशन, तो वहां से मीन वैल्यू आ जाएगा. बाप रे, तो आइडेंटिफाई करना है तीनों में से कौन सा है और बस बेशर्मी से फॉर्मूला बना लेना. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द एरर इन मेजरिंग अ क्वांटिटी x इज 2%. कौन सा एरर दिया है, कौन सा एरर दिया भाई, परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इन x, ध्यान से ये भी देखना है कि रिलेटिव एरर दिया है, परसेंटेज एरर दिया है मेरे को कि एब्सोल्यूट एरर दिया. परसेंटेज एरर इन x है 2%. कंप्यूट द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर दिया है, परसेंटेज एरर भी पूछा है, वाह भाई काम आता. फाइंड द परसेंटेज एरर इन x स्क्वायर, काफी सारे पार्ट्स हैं, तो z इक्वल्स x स्क्वायर, z इक्वल्स x स्क्वायर, कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई, जनरल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट रूल. क्या देखा अपन ने, इफ z इक्वल्स x स्क्वायर तो क्या आएगा, डेल्टा z बाय x बार इक्वल्स 2 इनटू डेल्टा x अपॉन x बार, 2 इनटू डेल्टा x बाय x बार है कि नहीं, 2 इनटू डेल्टा x बाय x बार, राइट. जनरल एक्सपोनेंट रूल, जो पावर है मॉड आएगा, एक्चुअली मॉड ऑफ 2 इज 2 ओनली, राइट, मॉड p डेल्टा e बाय बार, सो मॉड 2 इज 2 ओनली, सो डेल्टा z बार इज 2 इनटू डेल्टा x बाय x बार, राइट. अभी मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो डेल्टा z बाय z बार इनटू 100 इक्वल्स 2 इनटू डेल्टा x बाय x बार इनटू 100, राइट, यानी कि परसेंटेज एरर इन z क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स व्हाट इज दिस थिंग, डेल्टा x बाय x बार इनटू 100, व्हाट इज दिस थिंग, 2% परसेंटेज एरर इन x, ये परसेंटेज एरर इन x ही तो है, तो परसेंटेज एरर इन z इक्वल्स 2 इनटू परसेंटेज एरर इन x, बस फार्मूला लगाया जनरल एक्सपोनेंट रूल, डेल्टा z बाय z बार इज 2 इनटू डेल्टा x बाय x, ये रिलेटिव एरर है, जो फार्मूला रिलेटिव एरर का होता है वही फार्मूला परसेंटेज एरर का भी होता है, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर इन z इज 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन x, राइट. मैं यहां से भी ये डायरेक्टली लिख सकता था कि परसेंटेज एरर इन z, ये वाला फार्मूला लगाया करो डायरेक्टली, राइट, परसेंटेज एरर इन z is mod p into percentage error in a plus mod q into percentage error in b plus mod r into percentage error in c. यहाँ पे b और c तो है ही नहीं, केवल क्या है, ये है, a ही है, तो percentage error in z equals mod p into percentage error in a, तो mod of 2 is 2, तो 2 into percentage error in x, what is percentage error in x, 2, 2 into 2%, कितना हुआ, 4%, तो परसेंटेज एरर इन z जो है दैट इज 4%, दैट इज द आंसर. चमका सबको, यस सर, यस सर, आ गए गजब, बहुत ही आसान. आगे बढ़ जाते हैं, तो वो लास्ट लाइन नहीं कॉपी किया सर, हाँ जल्दी कर. नेक्स्ट देखो, x टू द पावर 5, yes, z equals 10% error. Z equals x to the power 5. So again, क्या हो जाएगा? Percentage error in z is, percentage error in z क्या होगा? Mod of 5, है ना? Percentage error in z equals mod p delta e by a plus mod q delta b by b plus mod c delta b by a. Mod 5 into percentage error in x. लिख सकते हैं ना ऐसा? जो भी बताया था. Yes sir. Yes sir. Direct करो. परसेंटेज एरर इन z इज मॉड 5 इनटू परसेंटेज एरर इन x, मॉड 5 तो 5 ही होता है, तो 5 इनटू 2% कितना हुआ, 10%, तो सेकंड पार्ट का आंसर इज 10%, बहुत ही आसान आसान चीज, ठीक है भाई. अगला देखो, z इक्वल्स 1/x, 1/x यानी कि x का पावर कितना, -1, तो अगेन जनरल एक्सपोनेंट रूल, सारे एक्सपोनेंट के सवाल हैं, z equals x to the power minus 1. If z equals x to the power minus 1, फिर से क्या होगा? Percentage error in z equals mod of minus 1 into percentage error in x. ठीक है, mod of minus 1 क्या होता है? 1. 1.
वन तो यस वन इंटू टू परसेंट वन इंटू टू परसेंट इज टू परसेंट मॉड माइनस वन तो माइनस टू परसेंट मत कर देना एरर माइनस टू नहीं होगा percentage error will always be positive. Mod of minus 1 is 1. Z equals root x. Root x का मतलब क्या होता है? X raised to half. X to the power half. तो again general exponent tool लगाओ. तो percentage error in Z equals mod of half into percentage error in X. Mod of half क्या होता है? Half. अभी होता है? तो half into 2% क्या आया? 1% खत्म बस जनरल एक्सपोनेंट रूल लगाओ और समाप्ति करो अगर एकदम बच्चों वाला यस सर ऑल राइट यस सर क्या हमका सबको समझ में आ यस सर यस सर तनया चमक रहा है दीक्षा मैडम ओके ऑल राइट किसी को भी डाउट है तो बोल देना चलो भाई दो दिया है सवाल को बस जनरल एक्सपोनेंट रूल लगाओ जो भी पावर है उसके मॉड से मल्टीप्लाई हो जाएगा रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर नॉट द एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर को के लिए बस मल्टीप्लाई कर देना विद द मॉड ऑफ द पावर खत्म फॉर्मूला लगा देना बस ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर पांच देखो आसान सवाल लिस्टेड आर अ फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज ए बी सी इन डिफरेंट वेज द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग इन ए बी सी आर गिवन परसेंटेज एरर देखा है ध्यान से देखना कौन सा एरर गिवन है कौन सा एरर पूछा है परसेंटेज एरर गिवन है या रिलेटिव एरर गिवन है या एब्सोल्यूट एरर गिवन है परसेंटेज एरर इन ए कितना है 1% परसेंटेज एरर इन बी कितना है 3% और परसेंटेज एरर इन सी निकला 4% अच्छी बात है अभी मेरे को निकालना है फाइंड द परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू एंड एक्स और अपने को गिवन है डब्ल्यू क्या गिवन है 8^1/3 बी बाय सी क्यूब बताओ कौन सा फॉर्मूला एडिशन सब्ट्रैक्शन है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है कि एक्सपोनेंट रूल कौन सा लगाऊंगा एक्सपोनेंट रूल एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे बेशर्मी से तो बेशर्मी से एक्सपोनेंट रूल लगा दो डायरेक्टली परसेंटेज एरर में तो यहां से देखो देख के बताओ डायरेक्ट परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू में क्या लिखूंगा परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू को मैं क्या लिखूंगा मॉड ऑफ 1/3 का पावर कितना है 1/3 तो मॉड ऑफ 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए यही है रिलेटिव एरर मत देखो डायरेक्टली परसेंटेज पूछा है तो I am applying this result directly. Tangya. Ye cheez. Percentage error is Z is mod P percentage error A plus mod Q percentage error in B plus mod R percentage error in C. So A ka power kitna hai? 1/3. So mod of 1/3 into percentage error in A plus B ka power kitna hai? 1. So mod 1 into percentage error. Mod 1 into percentage error. In B plus C का पावर कितना है 3 माइनस 3 पावर इज माइनस 3 मॉड लेने पे 3 आएगा मॉड लेने पर 3 आएगा बट पावर इज माइनस 3 तो मॉड ऑफ माइनस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन C पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं बाकी स्टेप स्किप करना होता है राइट स्टेप जब तुम घर पे कर रहे हो पहला स्टेप लिखो चौथा स्टेप लिखो दूसरा तीसरा दिमाग में करना ऐसे ही तो स्पीड इंप्रूव होगा ओके सो मॉड ऑफ 1/3 कितना होता है 1/3 कैसी कैसी चीजें पूछ रहा हूं मैं शर्म भी नहीं है मेरे चेहरे पर मॉड ऑफ 1/3 इज 1/3 इनटू परसेंटेज एरर इन ए कितना है 1 तो ये कितना हो गया 1/3 0.33% राइट प्लस 1 मॉड ऑफ 1 कितना होता है मॉड ऑफ 1 इज 1 इंटू परसेंटेज एरर इन बी कितना है 3% प्लस मॉड ऑफ माइनस 3 कितना होता है प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी 3 और 4 4
तीन इंटू चार, तीन इंटू चार परसेंटेज रेंज थी चार, बारह परसेंट कितना है टोटल? 15.33% 15.33% So this is the percentage error in the blue. बस फॉर्मूला लगा देना बेशर्मी से. Mod of 1 by 3 percentage error है, mod of 1 percentage NB plus mod of minus 3 percentage error. ठीक है, 15.33. आया सबका? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, yes, बहुत ही बढ़िया, काफी आसान आसान चीज. सेकंड देखो, x is root abc. root abc का मतलब क्या हुआ भाई? A raised to half, B raised to half, C raised to half. गजब. तो फिर से वही घिसा पिटा जनरल एक्सपोनेंट लगाएंगे ना, तो परसेंटेज आर एन एक्स कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ हाफ इंटू परसेंटेज आर एन ए प्लस मॉड ऑफ हाफ इंटू परसेंटेज आर एन बी प्लस मॉड ऑफ हाफ इंटू परसेंटेज आर एन सी. गजब. तो कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ हाफ होता है भैया हाफ, हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन ए. व्हाट इज परसेंटेज एरर इन ए? 1. हाफ इंटू 1.5% प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन बी कितना हुआ? 3. 1.5% सर. टोटल 4% आएगा. हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन सी कितना हुआ? हाफ इंटू 4. हाफ इंटू 4 हो गया 2%. टोटल जोड़ो भाई, जोड़ना है ना? 4% 4% 4% एक्स में था 15.33 इतना ज्यादा, डब्ल्यू में, और एक्स में है केवल 4. तो बस जनरल एक्सपोनेंट रूल, ठीक है, बस फॉर्मूला लगा देना है, केवल और केवल बस फॉर्मूला लगा देना है कि नहीं? कैसे कैसे चीजें पढ़ रहे हैं अपन, है कि नहीं? है कि नहीं? हंसी आ रही है कि नहीं? मॉड्यूल पे हंसी आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हें? मॉड्यूल पे हंसी आ रही है? सवालों पे हंसी आ रही है कि नहीं? क्यों भाई शांत हो आता है कि नहीं? शांतनु तनया स्वामिनी. यस सर. अनिशा हंसी आ रही है कि नहीं आ रही सवालों पे? यस सर. हाँ तो हंसना है सवालों में, मजाक उड़ाना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि बुरा मान जाएगा, ठीक है? कुछ कुछ बारहवीं में मैंने पूछा है हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं सर हंसी नहीं आ रही है सवाल पे. कि मैंने पूछा क्यों? नहीं नहीं मैं सवाल की बहुत इज्जत करता हूँ, सवाल पे हंसूंगा सवाल बुरा मान जाएगा. है सवाल बुरा, फीलिंग हर्ट हो जाएगी उसकी, ठीक है? बुरा मान जाएगा वो, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, बुरा बुरा नहीं मनवाना है उसको. क्योंकि मैं बता दूं, जब तुमसे सवाल सॉल्व नहीं होगा ना तो सवाल तुम पे जरूर हंसेगा, ठीक है? तो ऐसे सवाल कोई अच्छे दिल वाला नहीं है. ये मत सोचो यार सवाल तो बहुत अच्छे दिल वाला है, उसमें मैं हंसूंगा तो उसकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी, ठीक है? ये सब नहीं करना है. क्योंकि जब तुमसे सवाल नहीं होगा ना, बहुत चिल्ला चिल्ला के हंसेगा वो, ठीक है? ये बात याद रखना. तो मौके का फायदा उठाओ, सवाल पे पूरा हंसो, ठीक है? पूरा मजे लो उसके, ठीक है? मजाक उड़ाओ उसका, ठीक है? इज्जत नहीं करनी है सवालों की, ठीक है? सवालों की इज्जत करेंगे तो फिर मजा थोड़ी आएगा. सवालों की इज्जत नहीं करते, लोगों की इज्जत करते हैं, सवालों की इज्जत नहीं करते, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मजे लेने सवालों के, ठीक है? आने दो भाई, छठा वाला आ रहा है. इस पे भी हंसेंगे, अब इस पे भी हंसेंगे, रोना निकालेंगे इसका. चलो चलो अवधूत बोल रहा, सबको रोना निकाल दो, ठीक है? सवाल को रोते हुए देखना, अवधूत ऐसा बोल रहा है, मजे लूंगा पूरे, ठीक है? चलो भाई रोना निकाल देते हैं इसका. छठा वाला देखो जल्दी से. इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय s equals 200 plus or minus 5 meter, displacement of a body given hai. Wow, bhai, kya karun? And the time taken is given by, time taken bhi given hai. Dekho, dono mein error hai. 20 plus minus 0.2 seconds. Find the percentage error in calculation of average velocity. Aur average velocity ka mere ko formula bhi diya hai. Ki average velocity is total displacement by total time. Dhanyavaad! Batane ke liye. Bata hi nahi tha mujhe toh. धन्यवाद बोल दो भाई सवाल को, पता ही नहीं था ना आपने को, है ना? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताता क्या? बचपन में सीखा था कि नहीं सीखा था एवरेज वेलोसिटी? यस सर. यस सर. सवाल अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, सवाल बोल रहा है कि भैया इनको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता, मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो सवाल का
ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसको भी दिखाते हैं। ये सोच रहा है अपने को एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता है, इसको भी बताते हैं कि अपने में कितना दम। सो वी आर गिवन एस एंड वी आर गिवन टी डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, राइट। एवरेज वेलोसिटी जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम एस बाय टी, उसमें एरर निकालना है, सब कुछ निकाल देंगे, राइट। ये परसेंटेज एरर पूछा है पर मैं सब निकालूंगा, रोना निकालना है ना, इसको रोते हुए देख रहे हैं कि नहीं, सवाल करो yes, क्यों भाई अथर सवाल करो तो देखना रहता है, हैं? या तू भी फीलिंग वाला वाला जवाब देगा? सेंटिमेंटल हो गया सर। सेंटिमेंटल नहीं होना अथर, ठीक है, इमोशनल नहीं, भावुक नहीं हो जाना है, भावुक हो गए तुम में से कुछ लोग, ठीक है। मधुरा तो कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई, ठीक है। मधुरा बोल रही है सवाल तो मेरे भाई बहन जैसे है, ऐसा बोल रही है मधुरा, ठीक है। नहीं नहीं मधुरा ऐसे भावुक नहीं हो जाते हैं, क्यों मधुरा? ठीक है, सवाल सवाल ऐसे भाई भाई नहीं, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो भाई एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैं सवाल को रोना निकालूंगा, सवाल का कैसे सब निकालेंगे, सवाल ने पूछा परसेंटेज एरर पर मैं रिलेटिव एरर भी निकालूंगा और मैं एब्सोल्यूट एरर भी निकालूंगा क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है, तो मैं सब निकालूंगा, ठीक है। और सवाल को रोते हुए देखना, बस निकाल देते हैं रोना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। सुन जान कैसे रोना निकाले इसका, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है ये, देखो परसेंटेज एरर डिवीजन का, डिवीजन है, यस डिवीजन है, तो डिवीजन में क्या फॉर्मूला होता है अपने को, सो डेल्टा वी अपॉन, हां यस रिलेटिव अपॉन वी बार इनटू 100, यस रिलेटिव एरर गेट्स एडेड अप या परसेंटेज एरर गेट्स एडेड अप, राइट। सो डेल्टा वी बाय वी बार इज डेल्टा एस बाय एस बार प्लस डेल्टा टी बाय टी बार। सबसे पहले तो मैं वी बार निकाल लेता हूं, सवाल ने पूछा नहीं पर मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को सवाल को रुलाना है तो मैं करना चाहता हूं, वी बार मैं निकाल लेता हूं। वी बार कैसे निकालूंगा, तो वी बार एवरेज मतलब एस बार अपॉन टी बार, एस बार अपॉन एस बार अपॉन टी बार, ये तो मैंने बताया था, जो जो फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है जो है वो ही लगा दो। तो वी बार इज एस बार अपॉन टी बार, एस बार बताओ, एस बार 100 अपॉन 2010 आएगा, दिख रहा है ना, ये पहले वाले वैल्यू जो होता है मीन वैल्यू होता है बाद वाला एरर, तो एस बार सबको दिख रहा है 200 मीटर, टी बार कितना दिख रहा है भाई सबको, 20 तो 200 डिवाइडेड सर 10 आएगा सर, तो मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वी बार 10 मीटर पर सेकंड आ गया एचएम का सबको, यस सर, यस सर, गुड गुड, राइट। अभी रिलेटिव एरर अपने को पता है डिवीजन, डिवीजन में क्या होता है रिलेटिव एरर ऐड होता है, तो डेल्टा वी बाय वी बार इक्वल डेल्टा एस बाय एस बार प्लस डेल्टा टी बाय टी बार, रिलेटिव एरर निकालने से फिर इनटू 100 करने के परसेंटेज आ गए। सो व्हाट इज डेल्टा एस बाय एस बार, डेल्टा एस कितना है भाई, 5 भाई दिख रहा है ना, यहाँ पे जो है दिस इज द एरर, पहले जो होता है वो मीन वैल्यू होता है प्लस माइनस बाद में जो होता है दैट इज द एरर, डेल्टा एस इज 5। खुशी एस बार कितना है, खुशी जल्दी बोल एस बार कितना है, एस बार सर 20 कैसे देखना ध्यान से, 200 यस, मरीज तो नहीं है तू, ये ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है, उल्टा कर रही, so s bar is 200, delta s is 5, s bar is 200 plus delta t, तनया delta t कितना है जल्दी बोल, तनया delta t बोल, तनया जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, 20 delta t, तनया 20 थोड़ी है, error कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा 0.2 yes sir, ई बार कितना है, ई बार कितना है 20 ना, जो पहले लिखा इतना टाइम कैसे ले रहा है, तो डेल्टा डी बाय डी बार 20, सो डेल्टा एस बाय बार 5/200 डेल्टा डी बाय डी बार 0.2/20, चमका सबको, यस सर, यस सर, देखो कितना है 5/200, दिस इज 2/200, 7/200, दिस इज द रिलेटिव एरर एंड वेलोसिटी, रिलेटिव एरर 7/200, 7/200 तुम चाहो तो लिख सकते हो, 3.5/100 परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर के लिए क्या करूंगा,
परसेंटेज लेकर क्या करूंगा भाई, रिलेटिव एरर आ चुका अभी, क्या करेंगे जल्दी बोलो। 200 इनटू 100 परसेंटेज एरर क्या होता है, थक गए क्या, आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई। सो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। हां तो अभी रिलेटिव एरर आ चुका है, रिलेटिव एरर आ चुका है तो इनटू 100 का तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, तो 3.5 इनटू 10 पावर माइनस 2 इज द रिलेटिव एरर इनटू 10 टू पावर 2 कितना हो गया, 3.5% So this is the percentage error in velocity. मेरे को तो absolute error क्या होगा? मेरे को absolute error निकालना है. Absolute error कैसे निकालूँगा मैं? Sir, 3.5 into 10 raised to minus 2 को 10 से multiply करो. Yes. Now we know delta v by v bar. बहुत बड़े अब delta v by v bar कितना है मेरा? ये है ना? और v bar पता है कि नहीं पता है अपने को? तो अगर मेरे को v एरर लिमिट फॉर्म में लिखना है तो एरर लिमिट फॉर्म में बताओ मैं क्या लिखूंगा, 10 प्लस और माइनस 0.35 है ना, v बार आ गया 10, डेल्टा भी आ गया 0.35, तो 10 प्लस और माइनस 0.35 मिल जाएगा, ऐसे करेंगे सब कुछ निकाल दिया, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू, एरर लिमिट फॉर्म, सब कर दिया। ठीक है, तो v बार के लिए तो डायरेक्टली डिवीजन है, तो s बार / t बार 10 आ गया, फिर डिवीजन है तो भैया रिलेटिव एरर का फार्मूला रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगा, डेल्टा v / t बार डेल्टा s / t बार डेल्टा t / t बार कर दिया, वहां से रिलेटिव एरर आया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर आया, और एक बार डेल्टा v निकालना है तो बस v बार से मल्टीप्लाई करो यहां से, तो ये आ गया, एंड देन फिर इसको एरर लिमिट फॉर्म में लिख दो। किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलो, और किसी भी स्टेप में डाउट है किसी को? केदार चमक रहा सबको? यस सर, यस सर, यस सर, ओके गुड, बाप रे, सो दैट्स इट, बस ऐसे फॉर्मूला लगाओ, देखो डिवीजन है तो डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो, रिलेटिव एरर को ऐड अप कर दो, बस गिजा बिट ऐड सब ट्रैक करना, तो रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया, परसेंटेज एरर आ गया, डेल्टा भी आ गया, ये बात निकाल, बहुत ज्यादा आसान, रोना निकाल दिया इसका, सवाल का रोना निकाल दिया, बहुत ज्यादा खुशी विद्यार्थियों के चेहरे पर, सवाल का ऐसे रोना निकालना होता है। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन के लिए, सातवां सवाल, ठीक है, सातवां सवाल देखो, देखो डरना नहीं, भाई साहब इतना बड़ा कुछ नहीं, बस बताना है कौन से तरीका है, काफी घिसा पिटा सवाल, इसका भी रोना निकालेंगे। ओके, इंडिकेट द टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर लाइकली टू अकर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, केसेस अपने को गिवन है, और जैसे अपन ने तीन सिस्टमैटिक एरर पढ़े थे भाई, अभी अपने किधर गया, तो तीन अपन ने जो सिस्टमैटिक एरर पढ़े थे क्या थे, तीन तरह के सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, प्रोसीजरल एंड ह्यूमन एरर। यस, ये रहा, इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मेथड में कुछ गलती कर दी, तो एक्सपेरिमेंटल एरर, और आखिरकार अगर मरीज निकला इंसानी गलती तो ह्यूमन या पर्सनल है। हर में बताना है, आखिरी क्वेश्चन जल्दी से, इस तरह के भी पूछ सकता है, जल्दी से खत्म करते हैं ये वाला सवाल। ओके, फर्स्ट पार्ट देखो, द मार्किंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बिटवीन 50 एंड 55 मीटर हैव बीन इरेज्ड ड्यू टू कोरोजन, जंग पड़ गया, जंग लग गया भाई, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, स्प्रिंग बैलेंस पे जंग, जंग लग गया, ठीक है, स्ट्रिंग बैलेंस पे जंग लग गया, तो भैया 50 से 55 मीटर का गायब हो गया, ठीक है, तो गायब ही हो गया, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, सबको? यस सर, यस सर, यस सर, जो इंस्ट्रूमेंट में गलती है, जंग लग गया उस पे इंस्ट्रूमेंट में, इंसानी गलती थोड़ी, इंस्ट्रूमेंट की गलती है, जंग लग गया तो वो है, अभी मैं पूछूंगा तब बताना है, कोई ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना है। ओके, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला किससे पूछेंगे, ऋषिकेश, सेकंड वाला क्या होगा सर, प्रोसीजरल एरर, यस,
out of habit you always look at the nearest reading to the right instead of looking at the nearest reading of the left. So left dekhne ki bajaye right dekh raha hai. So kaun sa hua ye experimental error hua na? Chamak raha hai sabko? Yes sir. Yes sir. Experiment method mein galti hai. Right mein dekh raha tha, left mein dekh raha hai. मैं लेफ्ट में देख रहा था, राइट में देख रहा है, कुछ भी कर रहा है अपनी इच्छा से, मेथड गलत है इसका, एक्सपेरिमेंटल या प्रोसीजर एरर, बहुत ही गजब। दीक्षा दीक्षा बोल थर्ड वाला। यस सर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है थर्ड वाला सर, एक्सपेरिमेंटल एरर आएगा। थर्ड वन, अभी अगेन सेकेंड वन में यू कैन आर्ग्यू दैट दिस इज अ ह्यूमन एरर, यू कैन आर्ग्यू दिस इज अ पर्सनल एरर आल्सो, इट इज अ पर्सनल एरर, इट इज अ आल्सो पर्सनल एरर, तुम ऐसा भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, क्योंकि मैंने जो बोला था कि जो भी एक्सपेरिमेंटल एरर है वो पर्सनल एरर भी हो सकता है, सो द सेकेंड वन राइट वो पर्सनल एरर भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल एरर भी है, मेथड भी गलत है, बट पर्सनल एरर भी है, इंसानी गलती भी है ना, राइट की जगह लेफ्ट देख रहा है या लेफ्ट की जगह राइट देख रहा है, बट थर्ड वन क्या है, while measuring an angle experimental error, yes the angle experimental is not made to coincide with the central point, protractor ke central point se coincide karte hai na, dekha hai na, yes sir, to par usne nahi kiya, so this is clearly experimental, yes sir, abhi isko bhi tum bol sakte hai personal hai, but theek hai zyada isko main experimental, aise to har experimental personal bhi hoga, but isko main zyada experimental right, so you can start with this one is more personal than experimental, राइट सेकंड वाले को, बट थर्ड वन इज क्लियरली एक्सपेरिमेंटल, राइट ओके, नाउ फोर्थ वन हमें पर्सनल, बोथ योर आईज डू नॉट परसीव द सेम इमेज ऑफ द स्केल ड्यू स्केल रीडिंग ड्यू टू एन आई डिफेक्ट, अरे मरीज ये तो मरीज है, ठीक है आई डिफेक्ट मरीज निकला, तो इसमें तो कोई एक्सपेरिमेंटल या कुछ नहीं है, पर्सनल है रहा है, मरीज बड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है मरीज निकला, ठीक है मरीज आ गया एक्सपेरिमेंट करने, पांचवा आयुष पांचवा होता इंस्ट्रूमेंटल एरर, यस इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग जी शोज कंसिस्टेंटली शोज दिस, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट में खराबी होगी, कुछ कंस्ट्रक्शन वक्शन में गड़बड़ होगा उसका, या जीरो एरर होगा, तभी गलती दिखा रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर ओके राइट तमन्या तमन्या छठा वाला बोल, ह्यूमन और पर्सनल एरर, यू डू नॉट स्टैंड एट द सेंटर ऑफ अ वेइंग मशीन व्हाइल ट्राइंग टू रिकॉर्ड योर वेट, तो वेट मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर होगा सर, एक्सपेरिमेंटल एरर, एक्चुअली दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट इट कैन आर्ग्यू इट इज एनीथिंग, पर्सनल एरर भी है ना वो, क्योंकि वेइंग मशीन के सेंटर में खड़ा होना चाहिए ना, अभी कोने में खड़ा हो गया वो, ये कोने में लटक गया है उस पे वेइंग मशीन पे, तो सही आंसर आएगा क्या, नहीं कोने में लटक गया है, तो कोने में लटक गया है, आधा पैर अंदर है आधा पैर बाहर है, तो दिस इज अ पर्सनल एरर आल्सो, बट दिस इज यस एक्सपेरिमेंटल एरर आल्सो, एक्सपेरिमेंट का मेथड भी उसका गलत है एंड पर्सनल तो है ही, तो दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, नन ऑफ देम इज रॉन्ग, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि पर्सनल है एक्सपेरिमेंटल नहीं है और एक्सपेरिमेंटल है कि पर्सनल नहीं है, दोनों ही देखा जाए तो अपनी ओके ठीक है दैट्स इट, चमका गो, यस सर, यस सर, यस सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, एरर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, राइट एक मिनट रुकना मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एरर उसके काफी सवाल आते हैं चैप्टर से एक्स करके, एंड सिंस दिस इज एक्सपेरिमेंटल पोर्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज करके आना नहीं तो बहुत मारूंगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वी विल डू क्वेश्चंस एंड वी विल फिनिश द चैप्टर, और तुम्हारे जो असाइनमेंट उसके डाउट्स भी नोट करके रखो, वो भी डिस्कशन करेंगे, राइट तो एक मिनट, अभी तो सब थे, थोड़े तीन लोग बीच में गायब हुए हैं, केदार तो मेरे को बोल के अभी जस्ट गया पांच मिनट पहले, और कौन गायब है, अरे सर आई डिडंट गो बट, अरे केदार रुक गया।